बढ़ाते हुए आज प्रथम दिवस की पावन कथा का सुवर्तमान सद्गुरुदेव भगवान कराएंगे। तो आइए इससे पहले की पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का दिव्य आगमन हो, हम और आप सभी लोग प्रवेश करेंगे आज की दिव्य पावन कथा की ओर। बड़ी सुंदर पावन सेवाएं सीधा वृंदावन में चल रही, उन्हीं सेवाओं के लिए अपने योगदान के लोग हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ते हैं। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे दानवीर महापुरुष लोग अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हैं, हमारी उन प्यारी प्यारी माओं का सहारा बनते हैं जिन्हें वास्तव में आज आपके और हमारे सहारे की आवश्यकता है। आज हमारी गौरी गोपाल आश्रम परिवार में 275 माँ है। एक बार जोरदार तालियां सभी माओं के लिए और पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के लिए जिन्होंने इन माओं को अपनाया, आश्रय दिया, प्यार दिया और आज उन्हीं माओं के चरणों की सेवा के दर्शन करने और उन चरणों की सेवा से जुड़ने का सुअवसर हमें भी प्राप्त हो रहा है। बड़ा ही सुंदर होली का पावन पर्व रहा, ऐसे में खूब धूमधाम से भक्ति और प्रेम के रंगों से सराबोर हम और आप सभी लोग रहे और हमने पारस्परिक द्वेष भावना को त्याग करके सभी को एक साथ गले लगाया और भगवान से प्रार्थना की कि हम यूं ही निरंतर एक दूसरे के दिल में बने रहें, एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते रहें। यही वास्तव में हमें सद्गुरुदेव भगवान शिक्षा देते हैं। आइए जैसे सद्गुरुदेव भगवान नर में नारायण के दर्शन करते हुए एक समान सभी की प्यार कर रहे हैं, सभी को प्यार कर रहे हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं, वैसे द्वाय तो हमारा भी बनता है कि हम केवल उनकी कथा ही नहीं सुने, उनके आदर्शों का भी पालन करें, उस मार्ग को भी चुने, उस मार्ग पर भी चलें जिसका चयन स्वयं सद्गुरुदेव भगवान ने किया है। तो एक बार जोरदार तालियां सद्गुरुदेव भगवान के लिए इस सेवा के अनूठे दिव्य संकल्प या संकल्प सेवा पद के लिए जिसके माध्यम से जुड़ने का अवसर हमको और आपको मिला है। आज निरंतर पूरी दुनिया में गौरी गोपाल आश्रम परिवार को जाना जाता है क्योंकि उतनी सुंदर सेवाएं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम के माध्यम से हो रही है। आप दर्शन कीजिए, जितने भी लोग यहाँ वृंदावन आए इन आंखों से माओ के दर्शन करें, अपनी आंखों को पवित्र करें, इन माओ के चरणों की सेवा करें, अपने हाथों को पवित्र करें यानी कि सेवा से जोड़ें और पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए हमारे आश्रम परिवार में 275 माएं हैं जिन माओं की बखूबी देखभाल और हर प्रकार की सेवा निरंतर सद्गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। ऐसे में मैं चाहूंगा कि सद्गुरुदेव भगवान तो कर ही रहे हैं, क्यों ना आप भी इन माओं के चरणों की सेवा से अपने आप को जोड़ें, क्योंकि इन माओं के दिल से, इन माओं के हृदय से निकलने वाली दुआएं आशीर्वाद फलीभूत होगा आप जैसे दानवीर महापुरुषों के जीवन में और निरंतर वो आपको बढ़ाएगा। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप भी इन पावन माओं के चरणों की सेवा से जोड़ें और केवल जोड़े ही नहीं, आप स्वयं अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों से पुण्यों को जोड़ करके जाएं, एक ऐसा पुण्य का वृक्ष सिद्धांत प्रदावर में लगा करके जाएं, जब तक आप रहें आपको पुण्य मिले और आपकी आने वाली भावी पीढ़ियों को यहां से पुण्य मिलता रहे। आइए मैं बात कर रहा हूं माओ की सेवा की, 275 माओ की सेवा हो रही है तो क्यों ना एक माँ का सहारा आप भी बन जाए। मात्र 21,000 रुपए के छोटे योगदान से एक माँ का सहारा बनेंगे। साथ ही एक दिन की गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की पावन सेवा से पहले इन माओ की भोजन प्रसादी की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ेंगे। यहाँ रहने वाली 275 माओं की भोजन प्रसादी की सेवा अब आप अपने हाथों से करवा सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो पूरी 275 माओं की भोजन सेवा का योगदान करें, अथवा आप 100 माओं के लिए, 50 माओं के लिए, 10 माओं के लिए, अगर ये भी संभव नहीं है तो कम से कम किसी एक माँ के लिए मात्र 70 रुपए का योगदान तो दे ही सकते हैं। मैं जानता हूँ आज के समय में 70 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पिज्जा बर्गर में 100, 200, 500 खर्च कर देते हैं। जरा सोचिए अगर उसका सदुपयोग करेंगे और उनसे पुण्य मिलेगा तो क्यों ना इन माओं को भोजन प्रसाद पवाएं। साथ ही जोड़े इन माओं की सेवा के साथ में गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की पावन सेवा से। यहाँ बड़ी सुंदर और दुर्लभ सेवा चलती है, दुर्लभ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये दुर्लभ संत हैं जो सीधा वृंदावन में वास कर रहे हैं और केवल वास ही नहीं कर रहे, इस पावन ब्रजभूमि में ठाकुर जी का भजन भी कर रहे हैं। ऐसे में मैं चाहूंगा कि ऐसे दुर्लभ संतों के, दिव्य संतों के दर्शन आप करें और संभवतः हो पाए तो किसी एक दिन की संपूर्ण अन्य क्षेत्र की पावन सेवा मात्र 11,000 रुपए के योगदान से आप भी करें। आइए एक दिन की संत सेवा आप भी अपने हाथों से करेंगे। साथ ही यहाँ चलने वाली गौरी गोपाल रसोई की पावन सेवा, आप सबने यहाँ की रसोई के दर्शन किए होंगे और प्रसाद भी आप सबने पाया होगा। वही लोग हाथ उठाएंगे जिन्होंने वास्तव में यहाँ प्रसाद पाकर के देखा है कि कितना सुंदर प्रसाद यहाँ मिलता है। आप सबके हाथ, आप सबकी उपस्थिति बता रही है कि बड़ा ही सुंदर दिव्य प्रसाद यहाँ मिलता है, भरपेट भोजन मिलता है वो भी निःशुल्क। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आपने प्रसाद तो पाया ही है, थोड़ा सा पुण्य आप कमाएं, थोड़ी सी पुण्य की भागीदारी आप करें, थोड़े से अच्छे काम आप करें और वो ये काम हो सकता है रसोई की पावन सेवा में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। आइए मैं चाहूंगा कि एक दिन की संपूर्ण रसोई की सेवा आप भी अपने हाथों से करें। एकमात्र ऐसी दिव्यतम सेवा मात्र 31,000 रुपए के योगदान से तो होती है परंतु हजारों लोगों को भरपेट भोजन देती है। एक बार जोरदार तालियां सुंदर दिव्यतम रसोई की पावन सेवा के लिए। आइए मैं चाहूंगा कि संपूर्ण रसोई की पावन
सेवा जहां आप हजारों लोगों ने प्रसाद पाया है, हजारों लोगों में से आप भी इस दिव्यतम रसों की पावन सेवा की आप सहभागिता, आप यह कार्य ले सकते हैं, सहभागिता निभाते हुए आप पुण्य प्राप्त करते हुए। इसी के साथ में यहाँ बड़ी सुंदर सेवा अन्यत्र और भी सेवाएं चल रही है, संत सेवा के लिए आप भूमिदान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ बंदर सेवा, दवाओं की पावन सेवा के साथ में निर्माण कार्य जो यहाँ निरंतर हो रहा है, और गौरी गोपाल यहाँ जो गुरुकुल है वो निरंतर चल ही रहा है। यहाँ 100 से कहीं ज्यादा निःशुल्क छात्र पढ़ रहे हैं इस पावन गुरुकुल की सेवा के लिए, जहाँ हमारे संस्कृति संस्कारों को बचाया जा रहा है, हमारी वैदिक परपाटी को बचाया जा रहा है। ऐसी पावन सेवा से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। ईश्वर ने जिस लायक आपको बनाया है, आप अपने आप को जोड़ेंगे और नाम सुनेंगे उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने आज भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए हैं, इन पावन सेवाओं को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग तो दिया ही है, पुण्य भी कमाया है और अपनी भावी पीढ़ियों को पुण्यों से जोड़ा है। आज की श्रेणी में आदरणीय श्री चंद्र सिंह जी गोपाल जी विष्ट, आप रामनगर उत्तराखंड से हैं और आपने इन सभी सेवाओं के लिए जिनके बारे में मैंने बताया दिखाया 50,001 रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां बनती है चंद्र सिंह जी गोपाल विष्ट के लिए जिन्होंने इतना सुंदर काम किया है। और ऐसे में स्वर्गीय देवेंद्र सिंह जी के नाम से दिल्ली से उनके नाम से एक दिन की रसोई के लिए 31,000 रुपए का योगदान उनके संपूर्ण परिवार के माध्यम से दिया गया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रावती जी, आप महावली यादव, आप 31,000 रुपए। विजेंद्र रामचंद्र यादव जी, मनीष यादव मुंबई से, आप 31,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में गोदान की पावन सेवा से जुड़कर द्रौपदी बाई रावत, आप रायचंद से 25,000 रुपए। संजय नायक जी उड़ीसा से, आप 21,000 रुपए। गबरी देवी मांगेलाल जी सोलंकी की बेंगलुरु से, आप 20,000 रुपए। मूर्ति सिंगला जी, आप बठिंडा पंजाब से, आप सिंगला जी, आप 21,000 रुपए देते हुए भूमिदान की पावन सेवा से अपने आप को जोड़ रहे हैं। योगेश कुमार मल्होत्रा गाजियाबाद से, आप 21,000 रुपए। शारदा देवी गुप्ता बड़ोदरा गुजरात से 21,000 रुपए। अशोक कुमार गुप्ता फरीदाबाद से 11,000 रुपए। कृष्णा रानी ऑस्ट्रेलिया से 11,000 रुपए। आदित्य कुमार जी बेगूसराय बिहार से 11,000 रुपए। रामगोपाल सिंह गानिया रांची झारखंड से 11,000 रुपए। साधु ध्रुव जी कबरदास से 11,000 रुपए। साथ ही सोनमत जी, मैं तरु साहू, आप श्यामपुर से 10,000, आप 11 रुपए प्रदान कर रहे हैं। संतोष साहू, आप अंजोरी साहू, आप 11,000 रुपए। गिरजा देवी जयपुर राजस्थान से 11,000 रुपए। इंद्रावती महाबली यादव मुंबई से 11,000 रुपए। देवीकरण जी मल्होत्रा भिलवाड़ा राजस्थान से 11,000 रुपए। कपिल देव शिवानी बिजनौर से आप 5,000 रुपए। गांधारी, आप श्रीकांत जी 51 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म सिंह जी फरीदाबाद से 51 रुपए। गुलाब सिंह उत्तराखंड से, अर्चना श्रीवास्तव गोम श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से 5,001 रुपए। गुलाब सिंह उत्तराखंड से 5,101 रुपए। मधुबन जी बुध भाई जी बड़ौदा गुजरात से आप 21 रुपए। 5,500 रुपए लक्ष्मी देवी दिल्ली से आप दान करें, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में विक्रम श्रवण जी, आनंद देवी झुंझुनू राजस्थान से, विजय सर पंचमती दिवंगन, आप अंकिता एम राजी मुंबई से, बबीता दिवंगन आप रायपुर से, आप 31 रुपए। ध्रुव नायक जी आप झारखंड से, भारती राजी सूर्यवान से आप पुणे से, प्रहनाथ सिंह भोजपुर बिहार से 21 रुपए। सुशीला देवी उत्तर प्रदेश से, शिवानी चंद्र पंजाब से आप 2,500 रुपए। घनश्याम जी बसंती देवी रामगोपाल जी झालावाड़ राजस्थान से, अमित जी गुप्ता अमिता जी गुप्ता गाजियाबाद से, ओम प्रकाश जी गुप्ता गंगानगर राजस्थान से आप 21 रुपए। रमेश चौर से बालगढ़ से आप 26 रुपए। दिनेश प्रसाद यादव जी जलंधर पंजाब से, अंकिता राजी मुंबई से, पटेल दिलीप भाजी गांधीनगर गुजरात से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में संगीता गिरीचंद जसपाल, आप भटकौल मऊ, आप विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आदित्य कुमारी पटना बिहार से, मनीष कुमारी वर्मा, अरुण कुमारी शर्मा दिल्ली से, अंजुन जी आप अर्जुन के आर तिवारी वर्धमान पश्चिम बंगाल से, कुलकर्णी विकास जी मुखिया जी पनलाल जी गुप्ता मुंबई से, अहिल्या देवी रांची झारखंड से आप 21 रुपए। पंकज कुमार सिंह रांची झारखंड से, ममता जी चौहान आप उत्तर प्रदेश से, दिलचांद जी गोपाल चौपाल आप दान कर रहे हैं मधुबनी बिहार से, अरुण जी रबानी आप धनबाद झारखंड से, संजय देवी आप पटना बिहार से विजय सहयोग 2,100 रुपए। परसना सिंह जी, वीरेंद्र प्रसाद जी बिहार से, राजगीर जी कसराबाई तुकाराम जी, रामरती साहू जी, राजकुमारी देवी मुजफ्फरपुर बिहार से, संजय जी पश्चिम बंगाल से, कमला देवी हिमाचल से आप 3,100 रुपए। दामोदर भगवान देवी आप प्रजापति राजस्थान से, सुनील कुमार अपनी बेटी परल बसुदा की स्मृति में उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। गीतांजलि झा आप विशेष सहयोग, विनोद कुमार उत्तर प्रदेश से, प्रजापति दशरथ बाबू भाई जी दशरथ जी आप विशेष सहयोग राजस्थान से, ब्रह्मानंद जी फरीदाबाद से, लक्ष्मी देवी दिल्ली से, पंचमती दिवंगन आप चंडीगढ़ से, रामकृष्ण देनंदलाल जी विश्वकर्मा आप मुंबई से, शशि दुबे आप गुजरात से, विनोद कुमारी सोनीपत से, शांत कुमार जी अमर सिंह जोधपुर राजस्थान से, निर्मला जी आशी देवी राजस्थान से, घनश्याम जी राजस्थान से विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में इसी श्रेणी प्रदीप गणपति सावत मुंबई से आप 51,000 रुपए सभी सेवाओं के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रदीप गणपति सावत मुंबई के लिए। रोशनलाल जी मेहता ऊना से आपने एक दिन की रसोई सेवा के लिए 31,000 रुपए से। बजेना जी आप प्रसाद पटवा सुमिता देवी 30,000 रुपए दरभंगा बिहार से। अनिता जी आसाठी दमो से आप 21,000 रुपए। विद्युत एच के शर्मा जी कुरुक्षेत्र से आप 18,000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में राजेश कुमार जी प्रमदेवी आप दिल्ली से 11,000 रुपए। विद्या जी देवंगरा हेमंत जी कुमार देवंगरा राजस्थान से 11,000 रुपए। नरेंद्र जी देवंगर आप दान करें 11,000 रुपए। नरेंद्र अग्रवाल जी दिल्ली से 10,000 रुपए। अवधेश कुमार जी गौतम आप विशेष सहयोग रूप में 11,000 रुपए का सुंदर सा योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में
अरविंद यादव जी, सुमन देवी, आप मोरानीपुर झांसी से, आप 1,00,000 रुपए का योगदान सभी सेवाओं के दे रहे हैं। एक बार जोरदार तानियां बनती है इनके लिए, सभी सेवाओं से आपने अपने आप को जोड़ा है। और इसी श्रेणी में ममता यादव जी झांसी से, आप 31,000 रुपए संपूर्ण रसो की बावन सेवा की सार्थक कटारी आप प्रदान कर रहे हैं। विशेष रानी शर्मा झारखंड से विशेष है। निर्मा देवी बाराबा के 6,300 रुपए, भुलासा जी जमुना देवी झारखंड से विशेष, समीला यादव जी आजमगढ़ से विशेष, मुकेश कुमार जी बिहार से 2,702 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। राम देशमुख दुर्ग से आप 11,111 रुपए, हिमाचल से 21 रुपए, सत्यनारायण जी भीलवाड़ा से विजय, उषा देवी अलवर से विजय, विनोद जी बिहार से विजय हाथ के बुला रहे हैं। और इसी श्रेणी में अधिशा जी आप प्रदान करें, दिलीप जी प्रजापति आप 11,000 रुपए, आदित्य जी, श्वेता केसरी आप पटना से 31 रुपए, कुमिदा जी वेस्ट बंगाल से विजय, संत रामपाल जी आप हरदोई से उनके नाम से 21 रुपए, राजन सिंह जी आप दिल्ली से विजय से, निर्मला बाई जी गुणा से विजय, मालती देवी जैन भोपाल से 2,500 रुपए, कुसुम जी आप लखनऊ से, चित्रलेखा जी आप छत्तीसगढ़ से विजय से, विद्यांचल भगत जी झारखंड से 21,000 रुपए देते हुए एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं। इसी श्रेणी में यशपाल जी, सुमन देवी जम्मू से विजय, श्रीपति दास जी आप झारखंड से विजय के हाथ बुला रहे, किशोर कुमारी जी आप 21 रुपए प्रदान करें, छत्तीसगढ़ से उमा देवी, अर्जुन कुमारी प्रयागराज से 22,000 रुपए आप दे रहे हैं, अनिल प्रसाद जी बिहार से आप प्रदान करें 21 रुपए, डागर प्रसाद जी प्रदान आप छत्तीसगढ़ से विजय, समलेश्वरी कीर्तन मंडी छत्तीसगढ़ से विजय, राम प्रसाद जी आप रामचंद्र शाह जी नेपाल से, सीताराम सैनी आप जयपुर से 5,000 रुपए, लेखराज जी दिल्ली से विजय, कुछ दिल्ली से विजय, रंजीत पाल जी आप बिहार से 21 रुपए, सत्य प्रकाश जी वाजपेयी कानपुर से प्रदान कर रहे हैं, मोरलाल जी दिल्ली से विजय, बलराम चौक से आप जबलपुर से विजय के हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में आज की पावन कथा के साथ में यहाँ पोती पाठ भी बैठे, और इस बार हमें खुशी हो रही है कि इस बार 88वां पोती पाठ यहाँ बैठा है। एक बार जोरदार तालियां हैं इस पावन दिव्य संकल्प के लिए, 88वां पोती पाठ यहाँ बैठा है, और लगातार पूरी दुनिया से हमसे हमारे परिवारिक जन जुड़ते हैं। एक बार पुनः 164 पोती पाठ यजमान परिवार जुड़े, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, 164 परिवारिक जन हमसे जुड़ रहे हैं अपनी अनेकों अनेक मंगल कामनाओं की पूर्ति के साथ में, श्रीधाम वृंदावन से अपने आप को जोड़ते हैं, और केवल जुड़ते ही नहीं है, सेवा भी करते हैं, सेवा जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे सभी हमारे पोती पाठ यजमान परिवारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नाम सुनेंगे, प्रमुख नाम और प्रमुख स्थानों से जहां से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। जो पोती पाठ यजमान लोग यहां उपस्थित हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, यहां उपस्थित होकर के इस यज्ञ से जुड़ रहे हैं, जो लोग घर बैठे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नाम सुनेंगे, पोती पाठ यजमान परिवार से जुड़ रहे सभी परिवारिक जनों का, प्रमुख स्थानों का, जो अपने आप को जोड़ रहे हैं। आज की श्रेणी में रघुवर ध्रुव जी आप स्वर्गीय तिलेश्वर जी ध्रुव के नाम से पोती पाठ यजमान आप बने हैं, उनके नाम से यहाँ पाठ करवा रहे हैं आत्म शांति के लिए, छत्तीसगढ़ से आप जुड़ रहे हैं। मोहनलाल जी प्रजापति आप सविता देवी उत्तर प्रदेश से पोती पाठ यजमान बने हैं। साथ ही सुभाष कुमार सिंह जी आप जुड़ रहे हैं बिहार से, दुकाल राम साहू जी आप छत्तीसगढ़ से, नरसिंह राय जी आप उत्तर प्रदेश से, महेश सिंघानिया आप नेपाल से पोती पाठ यजमान बने हैं, हर्षित पवन कुमारी आप तापड़ी आप महाराष्ट्र से, राजकुमारी दासवानिया वेस्ट अफ्रीका से, श्रीमती गीता सक्सेना आप उत्तर प्रदेश से, गीता देवी लोकेश कुमारी आप उत्तर प्रदेश से पोती पाठ यजमान बने हैं, बालकृष्ण शर्मा जी आप दिल्ली से, विमलेश भारद्वाज आप नई दिल्ली से, राजेश कुमार जयसवाल आप लखनऊ से, रामनारायण साहू जी आप मध्य प्रदेश से पोती पाठ यजमान बने हैं, गीता शंकर जी आप चेन्नई से, सुशील तिवारी आप लखनऊ से, राममूर्ति जी आप पंजाब से, दीपक राज जी आप पंजाब से पोती पाठ यजमान बने हैं, पुरुषोत्तम लाल जंगेड आप यूनाइटेड अरब से पोती पाठ यजमान बने हैं, और भारतवर्ष की पावन भूमि वृंदावन से अपने आप को जोड़ रहे हैं, आशा देवी आप बिहार से, मनोज पूर्वी आप बिहार से, कमलेश नायक जी आप बिहार से पोती पाठ यजमान बने हैं, अखिलेश कुमार जी कुशवाहा आप उत्तर प्रदेश से, ओम प्रकाश शाह जी उषा देवी आप बिहार से, राजीव गौतम जी मध्य प्रदेश से, हरेंद्री आप हरेंद्री, धनेश्वर तिवारी जी कवर्धा छत्तीसगढ़ से पोती पाठ यजमान बने हैं। इसी श्रेणी में वीर सिंह जी आप उत्तर प्रदेश से, ममता सैनी, रवि कुमारी जम्मू कश्मीर से, शांति देवी वास्तु बरनवाल जी आप झारखंड से, नीलम जयसवाल बिका जी, रणजीत जी प्रंत जी आप पोती पाठ यजमान बने हैं, और बिहार से आप जुड़ रहे हैं, राजन बाबू अग्रवाल जी आप नई दिल्ली से, श्याम बहादुर सिंह जी आप बरेली उत्तर प्रदेश से, कुमार बाई जी आप उत्तर प्रदेश से, शांति देवी आप राजस्थान से पोती पाठ यजमान बने हैं, नेत्राम सिंह जी, वीरेंद्र जी आप, कमल जी नई दिल्ली से, वैदेही कटरे आप मध्य प्रदेश से पोती पाठ यजमान बने हैं, बनवीर सिंह जी आप उत्तर प्रदेश से, स्वाति कुमारी आप बिहार से पोती पाठ यजमान बने हैं। इसी श्रेणी में बंसी प्रसाद रजत जी आप बिहार से, जसवंती बहन सुरेचंद जी राणा आप गुजरात से, सत्यनारायण झा आप बिहार से, प्रवललाल जी राजपूत आप हैदराबाद से पोती पाठ यजमान बने हैं। इसी श्रेणी में भानु साहब जी देहरादून से, कविता भावरी उत्तर प्रदेश से, अर्चना कनौज जी आप मध्य प्रदेश से, अजय कुमार जी पंजाब से पोती पाठ यजमान बने हैं, कमला देवी हरियाणा से, श्री गजय सिंह जी आप गुड़गांव से, सरोज कमल जी बोरार आप जैन मुंबई से, कल्याण भाई जी, जोगी भाई जी मणि आप नैनी दमन से गुजरात से पोती पाठ यजमान बने हैं, ब्रिगेडियर डी के सिंह जी आप इंदौर से, अनिल कुमार यादव जी आप उत्तर प्रदेश से, लोकनाथ पसौन जी आप छत्तीसगढ़ से, रामप्रसाद जी सुंदरियाल उत्तराखंड से पोती पाठ यजमान बने हैं, गणेश कुमार जी हरियाणा से, कुसुमता यादव जी उत्तर प्रदेश से, गौतम दास जी वैष्णव आप छत्तीसगढ़ से, कुसुम जी आप वृंदावन से पोती पाठ यजमान बने हैं,
सगुल गुप्ता गाजियाबाद से, गायत्री सिंह जी आप बिहार से, दिव्यांजी लूथरा आप हरियाणा से, रमला जी अम्बला जी प्राणदास जी गुजरात से, पोदी पांडी अजमान बन रहे हैं, बनी सिकादा जी आप बिहार से, समर सिंह पंजाब से, श्रीमती संपत्ति अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश से, दान बहादुर यादव जी आप उत्तर प्रदेश से, पोदी पांडी अजमान बने हैं, राजबाला जी आप दिल्ली से, महेंद्र टोंग जी आप मुक्ता टोंग उड़ीसा से, पोदी पांडी अजमान बने, मुनि देवी उत्तर प्रदेश से, रामला जी केवड़ आप छत्तीसगढ़ से, पोदी पांडी अजमान बने हैं, कुसुम बेन जी, राजा राम जी आप पोदी पांडी अजमान बने हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में शिव कुमार जी आप उत्तर प्रदेश से, शिव कुमार अग्रवाल जी आप पोती पाड़ी अजमान बने हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रेणी में पोती पाड़ी अजमान बने तान्या सिंह जी और जुड़ रहे हैं आप नई दिल्ली से, कुसुम बेन, राजा राम जी गुजरात से, हरिप्रिया पटेल जी आप रामकुमारी पटेल आप छत्तीसगढ़ से, पोती पाड़ी अजमान बने, राजकुमार यादव जी आप पोती पाड़ी अजमान बने हैं। इसी श्रेणी में निर्मला देवी चांदनी कुमारी झारखंड से, मुकेश कुमार शाह जी बिहार से, राजबाला जी आप हरियाणा से, पोती पाड़ी अजमान बने हैं, रामानो सिंह जी मनु देवी आप बिहार से, रुवन प्रधान जी जय प्रधान जी आप दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं, मेलाउ प्रसाद मिश्रा छत्तीसगढ़ से, दुष्यंत चौहान जी आप दिल्ली से, पोती पाड़ी अजमान बने हैं। इसी श्रेणी में प्रगुण प्रसाद जी गामी आप नेपाल से, तरुण प्रीत जी आप पंजाब से, विजय कुमार जी उत्तर प्रदेश से, मोहित कुमार जी आप बिहार से जुड़ रहे हैं, किरण जी गुप्ता छत्तीसगढ़ से, प्रभु सानी आप बिहार से, राजीव कुमार जी, जय कुमार जी बागपत से, प्रणव जी आहूजा आप नई दिल्ली से, मानकी देवी दार्जिलिंग से, रवि शंकर साहब जी आप जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, अन्नपूर्णा राजवाड़े छत्तीसगढ़ से, मीना देवी आप बिहार से, पोती पाड़ी अजमान बने हैं। इसी श्रेणी में सुभाष चंद जी अरोड़ा आप हरियाणा से, उदयभान सिंह जी सिकरवार आप ग्वालियर मध्यप्रदेश से, संध्या देवी आप कानपुर से, इंद्रमुखी देवी आप बिहार से, पोती पाड़ी अजमान बने हैं, लक्ष्मी गोविंद जी सिंधाड़ी गुजरात से सपरिवार जुड़े हैं, लक्ष्मी जी गोविंद जी सिंधाड़ी आपके नाम से दो पार्ट यहां चल रहे हैं, भारती देवी आप झारखंड से, हिंदी भूषण गुप्ता जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं, अरुण जय गुप्ता आप छत्तीसगढ़ से, श्रीमती सुकुन बाई साहू जी आप छत्तीसगढ़ से, भावेश श्याम सुंदर जी भंबानी आप गांधीनगर गुजरात से, ऋषि सक्सेना आप कर्नाटक से, पोती पाड़ी अजमान बने हैं, कृष्णा कंवर जी राजस्थान से, सुख कुमार सिंह जी बिहार से, जतिन श्रीनिवास मालपेटी आप जुड़ रहे हैं, साथ ही अनंत जी मुदगल आप हरियाणा से, पोदी पाड़ी अजमान बने हैं, विशाल सिंह यादव आप उत्तर प्रदेश से, ओम कुमारी महाजन हिमाचल प्रदेश से, वाराणसी से प्यारेलाल तिवारी, श्री श्याम जी रावत आप उत्तर प्रदेश से, पोदी पाड़ी अजमान बने, नीरज कुमारी सोनकर प्रयागराज से, कमलेश शर्मा हिमाचल से, राजाराम चौरसिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, मुनालाल जी आप दिल्ली से, रंजीत पांडे बिहार से, धनंजय सिंह बौर आप हरदोई से, कमला देवी आप पटना बिहार से, शशि सेठी आप मुंबई से, पोदी पाड़ी अजमान बने हैं, वही सुषमा जी अग्रवाल आप जुड़ रही है, ईश्वर गर्ग उषा गर्ग आप भी पोदी पाड़ी अजमान बने, एकता दल वेस्ट दिल्ली से, बरेली से दीपक जी अग्रवाल पोदी पाड़ी अजमान बने हैं, सोम जी जुड़ रहे हैं। इसी श्रेणी में अजनी कुमार पांडे हैदराबाद से, कमला जी आप पोदी पाड़ी अजमान बनी, अर्जुन पाल जी उत्तर प्रदेश से, सुख कुमार जी सरवण नई दिल्ली से, सुरेश सानी आप हरियाणा से, नरेश कुमार जी हरियाणा से, सुनील कुमार बंसल राजस्थान से पोदी पाड़ी अजमान बने हैं। इसी श्रेणी में रमेश रानी आप दिल्ली से, पूर्णमल जी आप हरियाणा से, शिव नारायण सिंह जी धाकड़ा मध्य प्रदेश से, श्याम सुंदर रानी आप नई दिल्ली से, पोती पाड़ी अजमान बने, श्रीमती राधा जी, श्रीमान राजा राम जी खट्टी आप पोती पाड़ी अजमान बने हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से आप जुड़े हैं रमेश कुमार पाड़ी आप छत्तीसगढ़ से, संजू देवी सतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश से, दीनदयाल जी रावत आप राजस्थान से, राजा भट्ट जी पोती पाड़ी अजमान बने हैं, इसने गोयल आप जम्मू कश्मीर से, फूलचंद जी सोनीपत हरियाणा से, बबीता रानी आप नई दिल्ली से, सुरजीत सिंह जी आप हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं, राकेश यादव जी आप दिल्ली से, जुत का दे आप झारखंड से, धर्मवीर जी उत्तर प्रदेश से, पी के पुंडीर जी पुंडीर आप उत्तराखंड से, पोती पाड़ी अजमान बनी है, ममता यादव जी आप झांसी उत्तर प्रदेश से, उदयभान जी कुशवाहा उत्तर प्रदेश से, मुन्नी देवी शर्मा उत्तर प्रदेश से, मयूर जी ओम प्रकाश जी गनमत कदम आप महाराष्ट्र से, पोती पाड़ी अजमान बने हैं, गिरधर कुमार साहू जी आप छत्तीसगढ़ से, कृष्णा जी सतपाल जी आप हरियाणा से, दिनेश चौधरी कोलकाता पश्चिम बंगाल से, श्याम सुंदर जी आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, अजय कुमार मोहंती आप सपरिवार जुड़े हैं, गणेश चौधरी आप बिहार से, जगदीश कुमार जी गुजरात से, तारा देवी आप नई दिल्ली से, पोती पाड़ी अजमान बने हैं, जयप्रकाश जी आप मोहनगी शाह आप उत्तराखंड से, पोती पाड़ी अजमान बने, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण देवी उमेश सिंह जी रावत आप जुड़ रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी पोती पाड़ी अजमान परिवारों के लिए, जिन्होंने अनेक अनेक मंगल कामना की पूर्ति के लिए अपने आप को सिद्धांत प्रदाव से जोड़ा, पावन सेवाओं से जोड़ा और पुण्य लाभ अर्जित किया। ऐसे सभी पोती पाड़ी अजमान परिवारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से चलेंगे उसी पावन श्रेणी में जहां दानवीर महापुरुषों के हम नाम सुन रहे थे। अभी हमने पोती पाड़ी अजमानों के नाम सुने, जिन्होंने अपनी अनेक अनेक मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक दिव्य स्थान को पवित्र करते हुए अपने आप को श्रीधाम वृंदावन से जोड़ा है। अब एक बार पुनः नाम सुनेंगे, जब तक सद्गुरुदेव भगवान का आगमन होगा, हम और आप सभी लोग दानवीर महापुरुषों के नाम सुन लेंगे, जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए हैं, इतना सुंदर शुभ कार्य किया है, तो क्यों ना इनके नाम का स्मरण करें, ताकि इनके नाम को सुनने मात्र से हमें भी पुण्य मिल जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और भाव आपका जाग जाए, तो ऐसे में मैं कहूंगा कि आप भी चूके नहीं इन पावन सेवाओं से जुड़ना और पुण्य कमाना। उसी श्रेणी में
रुकमणी जी आप छत्तीसगढ़ से 2100 रुपए, मधेवी अर्जुन कुमार जी आप प्रयागराज से 2200 रुपए, अनिल प्रसाद जी बिहार से 2100 रुपए, डागर प्रसाद जी प्रधान आप छत्तीसगढ़ से भेजेश्वर, समलेश्वरी कीर्तन मंडी छत्तीसगढ़ से भेजेश्वर, रामचंद्र शाह जी नेपाल से, सीताराम सिंह जयपुर आसान से 500 रुपए, लेखराज जी दिल्ली से भेजेश्वर, कुशल जी दिल्ली से, रंजीत पाल जी बिहार से, सतप्रकाश जी बाजमी कानपुर से 2100रुपए, मुनला जी दिल्ली से, बलराम चौक से जबलपुर से, घनश्याम चौक से जबलपुर से 2100रुपए, ठाकुर बांकी बिहार जी के नाम से वृंदावन से 11000 रुपए का योगदान दिया गया है। इसी श्रेणी में नीतू जी आप बिहार से भेजेश्वर, वसंत विश्वकर्मा लाखापुर से, चंदौली से 11 रुपए, ओंकार चंदौरिया नरसिंहपुर से 11 रुपए, जवाहर सिंह जी चमोली से उत्तराखंड से विजेश है, त्रिलोक सिंह जी उत्तराखंड से, जयगोपाल जी महुबा 5000 रुपए, जगदीश जी बैराग राजस्थान से विजेश है, रामनरेश अग्रहरिया 51 रुपए, महेश्वरी लुधियाना पंजाब से 51 रुपए, गोरखनाथ जी गोरखपुर से 22000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में गोरखनाथ जी गोरखपुर से, साथ ही अशोक यादव जी उन्नाव से विजेश है, रेणु देवी जौनपुर से 5000 रुपए, गिरधर गोपाल जी के नाम से दिल्ली से 11 रुपए, शालिनी बिहार से विजेश, रत्ना राय जी कोलकाता से आप विजेश के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में भगवती चंदन आप भिलाई से विजेश है, मंजू देवी हाजीपुर वैशाली से विजेश, यशपाल दत्ता अम्बाला से आप पंजाब से विजेश, 2001 रुपए गुप्तदान के रूप में, बलराम जी सील आप असम से आप 500 रुपए, नीलम देवी हिमाचल से विजेश है, जगदेव जी हिमाचल से विजेश के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, हमके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी प्रेमप्रताप जी बिलासपुर से हिमाचल से रसोई के लिए और माओ के सी बागले 27000 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भागीरथ अनिता जी ग्वालियर से आप 2100 रुपए, जनत सोनी हरियाणा से विजेश, अभय राम साहू जी आप विजेश, गुड्डी जी दिल्ली से विजेश, मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी देवरिया पुरलिया से, वेस्ट बंगाल से 2100रुपए, संजीव जम्मू से आप 2100रुपए, सीमा शिमला देवी आप बिहार से विजय के हाथ आगे बढ़ा रही है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अनिल शर्मा जी गाजियाबाद से 11 रुपए, हेमलाल जी गुप्ता दरभंगा बिहार से विजय, सुशीला जी केशरवाणी प्रयागराज से 2100रुपए, सुजन जी आप केशरवाणी प्रतापगढ़ से, सत्यम केशरवाणी प्रतापगढ़ से, आशा केशरवाणी प्रतापगढ़ से विजय, कशिश केशरवाणी प्रतापगढ़ से 2100रुपए, विनोद सैनी मुजफ्फरपुर बिहार से 2100रुपए, रूपेश सैनी मुजफ्फरपुर बिहार से विजय, गौरव सैनी विनोद सैनी मुजफ्फरपुर से आप बिहार से विजय, हरि सिंह जी होडा से आप हरियाणा से 2100रुपए, अशोक जी दिलीप जी छत्तीसगढ़ से विजय, राघव जी बिहार से विजय, खुशीलाल जी पटेल हेमलता जी पटेल आप बिहार से 2100रुपए, गुरुचरण जी वृंदावन से विजय के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, राजबाला राजस्थान से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा यादव जी चंद्रकला भाई जी यादव इंदौर से विजय सहयोग, बासमती भाई राम जी मथुरा से, धर्मेंद्र सिंह जी गाजियाबाद से, पीयू जी गुजरात से, रीता देवी आगरा से, संजय दास जी असम से 11000 रुपए, मधु चावला जी प्रतापगढ़ से 2100रुपए, बिना जी रोड़ा बनारस से, शशि चावला प्रतापगढ़ से 2200रुपए, राजकुमार जी असम से, विवेक कुमार जी दिल्ली से विजय सहयोग, कांत प्रसाद जी दिलीप कुमार जी शिवपुरी से 3100रुपए, चंदा देवी पटना बिहार से 2100रुपए, विक्रम जी पटेल आप छत्तीसगढ़ से, भीमला देवी वासुदेव जी गोरखपुर से 5501 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में नीलम देवी जी आप जम्मू से आप विजय सहयोग प्रदान करें, सुभद्रा बुनकर आप छिंदवाड़ा से 2101 रुपए, कौशला जी दिल्ली से आप विजय सहयोग, बंगुला जी केवट आप विजय सहयोग, माया देवी द्रौपदी सुबह राम जी आगरा से 5005 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में पंजाब से गुप्तान 2051 रुपए दे रहे हैं, शादी कांगड़ा से 2100रुपए गुप्तान, सुशीला पटेल आप 3100रुपए आप दे रहे हैं अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए, साथ ही रामबाई पहला जी छत्तीसगढ़ से, विष्णुदेव सिंह जी झारखंड से, सुनील देवी झारखंड से, राजू हापुर से आप 2100रुपए, सुगेश पुरुषोत्तम जी आप टूटी पांडे बिलासपुर से आप 11000 रुपए, श्रीमती माया जी पांडे बिलासपुर से आप 11000 रुपए, अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए 3000 रुपए, माओ की सेवा के लिए उदयमान जी बहादुरगढ़ से 2100रुपए, साक्षी देवी कानपुर से विशेष सेवा के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में ममता भाई बिलासपुर से 2000 रुपए, सुशीला कुकरेज दिल्ली से विजय, सुखवादी पलवल से विजय, शांति चौधरी आप छत्तीसगढ़ से 2100रुपए, रजनी दस्तोगी रायबरेली से विजय, स्वर्गीय कृष्ण कुमारी कल्याण से 51 रुपए, जय कृष्ण कल्याण से 51 रुपए, श्याम सुंदर त्रिवेदी उन्नाव से आप 10000 रुपए, शुक्लागंज से प्रदान कर रहे हैं, सत्य भावना जी कानपुर से 51 रुपए, फुलचंद सोनीपत से 21000 रुपए, शताब्दी देवी आप वृंदावन से विजय है, उषा तिवारी धनाराम तिवारी छत्तीसगढ़ से 21000 रुपए, हेमा श्रीवासम उषा दीपक जी बिलासपुर से 11000 रुपए, उषा देवी सुरजीत सिंह जी आप 21 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में सालोजी गुप्ता 4100 रुपए, अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए नेताजी कानपुर से विजेश्वर, राजावेदी आप चतुर्वेदी आप 2000 रुपए, शिवचरण जी फरीदाबाद से आप 20000 रुपए, नेहर चंदी बंसल आप दिल्ली से विजेश्वर, सोमा देवी सीमा देवी अजय कुमार की गया बिहार से 11000 रुपए, रेशमा देवी गया से 5000 रुपए, एकताजी रोहिणी दिल्ली से 5100 रुपए दे रहे हैं, पूजा वासनी अलीगढ़ से आप 10000 रुपए, सायरी परमार मुंबई से आप विजेश्वर, राजकुमारी हिरानगर से विजेश्वर, शांति बाई चंद्रगढ़ सपरिवार रायपुर से 2001 रुपए, गौरी वर्मा जी शहडोल से आप विजेश है, रीतु गोयल जी धर्मपत्नी धर्मपाल जी गोयल पंजाब से 5100 रुपए आप दे रहे हैं, अशोक रावत जी कानपुर से विजय सहयोग प्रदान कर रहे हैं, साथ ही भरपाई देवी पानीपत से 5000 रुपए, अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए मनोज जी पानीपत से, विक्रम कुमार लुधियाना पंजाब से, ब्रजरानी देवी आप एटा से, राम देवी बुलंदशहर से, विशाल भट्ट साजी मास्टर बिहार से विजय सहयोग, शीला देवी एटा से 2100 रुपए, ममता भट्ट जी देहरादून से 5000 रुपए, कमलेश देवी अलीगढ़ से आप विजय सहयोग, कौशम जी पटेल आप प्रदान करें, कुशल जी छत्तीसगढ़ से विजय सहयोग, उदय प्रताप सिंह हरदोई से, कमलेश शर्मा जी इंदौर से, गोपाल जी संतोष रानी सब परिवार लुधियाना पंजाब से 51 रुपए, डॉक्टर प्रदीप दोवी आप मुरादगंज ओरिया से 11000 रुपए का योगदान दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में
ममता देवी सत्येंद्र केसरी झारखंड से आप विजय से हैं। सुरेंद्र जी दुबे आप गोंडा से आप विजय से प्रदान करें। शिव रतन ज्योति गोंडा से विजय से हैं। सावित्री भोपाल से मोहर सिंह आप उड़िया से सुमलता जी राजस्थान से विजय से हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष अग्रवाल आप कनक अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से विजय से। संजय जी सरलागोयल आप छत्तीसगढ़ से विजय से हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन रावत जी आप फरीदाबाद से प्रदान करें 11,000 रुपया क्षेत्र की बावन सेवा के लिए उसी श्रेणी में। मनोज जी पलवल से आप 2,000 रुपये। चंद्रावती देवी आप दुर्गा मंदिर बनारस से 11,000 रुपये। क्षेत्र की पावन सेवक की रानी कुमारी वीरेंद्र कुमार झा समस्तीपुर बिहार से 21,000 रुपए। आरपी गौतम वृंदावन से विजय सहयोग साथ किरण जी वाजपेयी राम बरेली से विजय सहयोग। प्रेम सिंह सावित्री देवी फरीदाबाद से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अन्य क्षेत्र की पावन सेवक लिए अवधेश कुमार गौतम आप 11,000 रुपए। श्रीमती चंद्रावती सेनी दिल्ली से आप 11,000 रुपए। स्वर्गीय दुकाब निषाद जी की श्रीमती में विश्व निषाद के द्वारा 11,000 रुपए का योगदान दिया गया है। कविता हिंदुजा हैदराबाद से विशेष सुशीला जी आप जैसलमेरिया महिला मंडली जोधपुर राजस्थान से। धीरज मिश्रा गुंजन सिंह जी चंडीगढ़ से 10,000 रुपए। शीतला जी गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप विशेष सहयोग रूप में 11,000 रुपए। रमा बंसल पश्चिम बंगाल से 6,500 रुपए। वंदना सिंह जी सोनभद्र से 5,100 रुपए। समय ठाकुर जी बुरहानपुर से 5,000 रुपए। विकास कुमारी कटनी से 5,100 रुपए। कुमुदिनी साहू उड़ीसा से 8,000 रुपए योगदान दे रहे हैं। अनिल कुमार ढाका आप दिल्ली से आप दान कर 5,100 रुपए। राकेश जी बागड़िया जगदलपुर से 6,000 रुपए। सोमदेव देवी आप लखनऊ से 5,001 रुपए। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी शशि जी मगलाई आप उनके नाम से भोपाल से 5,100 रुपए। राकेश जी जगदलपुर से 6,000 रुपए। मुनीबाई जी आप दान कर रहे हैं आप 5,100 रुपए। आप नाथू लाल जी नागर बन राजस्थान से। अनिल कुमार दिल्ली से 5,100 रुपए। मंगल देव जी आप गज भरे हिंगोली पश्चिम बंगाल से आप 8,000 रुपए। कामेश्वर मेहता बिहार से आप 5,100 रुपए। स्वर्गीय अंकित कुमार जी भगत के नाम से 5,100 रुपए। यशवंत लाल दास जी गुजराती इंदुमती यशवंत जी 5,000 रुपए। माधुरी धनेश्वर सिंधे अमरावती से 2,500 रुपए। अनिता जी विभूषण जी औरंगाबाद से आप 5,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं। विनोद कुमार शाह आप दिल्ली से। समीर मोदक पश्चिम बंगाल से। डोमेश प्रसाद जी आप निषाद विमतरा से। नेमीचंद गुप्ता 2,100 रुपए। सत्या जी महतो पश्चिम बंगाल से। भीमला जी आप मिश्रा जी बिहार से 2,100 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में 2,100 रुपए। दिव्यक कुमार ठाकुर गंगा देवी दिल्ली से आप विजय से। हरिनाम सिंह जी पाल आप विजय से। तोची सांपरे मुंगेली से 2,351 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार शाह दिल्ली से आप विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ईश्वरी देवी आप राजस्थान से 2,100 रुपए। मिलाज मिश्रा वैशाली बिहार से। जयराम यादव जी आप रायगढ़ से विजय। दुलारी देवी जम्मू कश्मीर से आप दान करें 2,100 रुपए। पृथ्वी सिंह जी केयर सिंह जी आप चंदाबाद। प्रमला बहन जी आप पृथ्वी सिंह चंद्राबाद आप विजय से। हर्षल जी महाराष्ट्र से। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला आप दिल्ली से। अनमिका साहू जी राजेंद्र गांव से। मारकंडे दुबे भानुमती देवी आप आजमगढ़ से 2,100 रुपए। इंद्र सिंह जी रेबाड़ी से। कमलेश कुमारी जम्मू कश्मीर से आप 2,100 रुपए। संजय मौर्य मुंबई से 2,100 रुपए। श्री प्रकाश चंद्र जोशी आप नैनीताल उत्तराखंड से 2,200 रुपए। दमयंती श्रीवास्तव आप दिल्ली से 2,500 रुपए। दीपक कुमार जी हाथरस से आप 2,100 रुपए। जगमोहन जी मुंगेली से आप 2,351 रुपए। चंद्र प्रकाश जी फरीदाबाद से विजय सहयोग। लाल जी निषाद तन्मय निषाद आप मुंगेली से। सदीगढ़ से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में सुखदाई गोबाई गोदरे आप स्वर्गीय खुशीलाल जी के नाम से 2,200 रुपए अन्य क्षेत्र की बावन सेवक दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में श्यामा देवी जलाल रतन सिंह जलाल आप दिल्ली से 3,100 रुपए। मनु कुमार सीतामणि बिहार से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने न केवल अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए बल्कि इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ा जो सेवाएं निरंतर सीधाम पदावर में चल रही हैं। आप जितने भी दानवीर महापुरुष लोग मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ आए आप सबने इन पावन सेवाओं के दर्शन किए होंगे। अपनी आंखों से देखा होगा बड़ी सुंदर पावन सेवाएं सीधाम पदावर में चल रही हैं और वास्तव में बड़ी खुशी होती है। हम जिसके निमित्त जिसके नाम से जो काम करते हैं वह सार्थक होता है। एक बार जोरदार तालियां सद्गुरुदेव भगवान के लिए जिनकी थोड़ी देर में उपस्थिति यहाँ होने जा रही है। आज मैं आपकी आंखें देख रहा हूँ बड़ी इधर उधर जा रही हैं। कहीं ना कहीं से गुरुदेव दिख जाए मैं भी आपके चेहरे की उदासी को समझ सकता हूँ। इंतजार की प्रतीक्षा की वो घड़ी वो भाव आपका दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा समय और लग रहा है आज गुरुदेव भगवान आने में। तो उससे पहले पावन सेवाओं के बारे में हम जान पा रहे हैं। इतना अच्छा समय हमें मिला है। एक बार जोरदार तालियां तो बजाइए उनके लिए जिन्होंने इतना योगदान भेजा जिनके नाम बोलते हुए आज पूरा आधा घंटा हो गया। इतनी ज्यादा संख्या में मेरे भाई बहनों ने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए इस होली के पावन उत्सव में। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आपने होली तो अपने घर पे खेली है आप हमारी माओं के साथ में भी होली का उत्सव बनाएं। प्रेम और भक्ति की इस धारा से अपने आप को जोड़ें चरणों की सेवा करें और आप भी इन माओं का क्यों ना किसी एक माँ का सहारा बन जाएं। 275 माओं की यहाँ सेवा होती है। वो माएं जिनको सताने वाले रुनाने वाले ठुकराने वाले कोई और नहीं बल्कि उनकी सगी औलादें वो सगे बच्चे
वो सगा खून जिन्होंने सहारा देने की बजाय उनका हाथ थामने की बजाय हाथ पकड़कर उन माओं को घर से बाहर निकाल दिया। कहने को तो बड़ी पीड़ा है इन माओं के जीवन में इन शब्दों में, लेकिन कहते हैं कि जो समझता है वही जानता है कि दर्द कितना होता है जब अपना अपना ही घर से अपना ही कोई निकाले। आइए इस पीड़ा को समझने में सदगुरु भगवान ने पूरा प्रयास किया और इन माओं को पीड़ा को दूर किया और आज हमारे आश्रम में 275 माएं रहती हैं और वास्तव में हमें उनके चरणों की सेवा करते हुए लगता ही नहीं ये पराई हैं। किसी भी जाति की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ की हो, हर माँ को यहाँ माँ के रूप में पूजा जाता है। बड़ा ही सुंदर गौरी गोपाल आश्रम ये मंदिर है जहाँ पूजा भी माओ की होती है और सेवा भी माओ की होती है। तो एक बार जोरदार तालियां बनती हैं इस दिव्य कार्य के लिए जो सद्गुरुदेव भगवान ने शुरू किया। प्रतीक्षा के साथ में मैं चाहूंगा कि आपका मन बटा रहे, सेवाओं से आप जुड़े रहें, जब तक सद्गुरुदेव भगवान आए तब तक ऐसा आपको लगे नहीं अकेलापन। तो आइए सेवाओं में वापस चलेंगे। बड़ी सुंदर पावन सेवाएं हैं, माओं की सेवा आपने सबने दर्शन किए होंगे और ये प्यारी प्यारी माएं जो हमारे आश्रम में रहते हैं, अभी तो हमारे कैमरे वाले भैया होली दिखा रहे हैं, माएं भी दिखाएंगे जिन माओं की यहाँ सेवा होती है। बड़ी सुंदर माएं हैं और जिन माओं के दर्शन करने मात्र से आपके जो है पापों का नाश होता है, क्योंकि इन माओं की सेवा कोई और नहीं कर रहा, बिहारी जी के रूप में हम और आप सब लोग कर रहे हैं और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप भी इन माओं का सहारा बने। मात्र 21,000 रुपए के छोटे से योगदान से जरा सोचिए, अगर आप किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं तो क्यों ना किसी एक माँ का सहारा बने। क्योंकि कहते हैं कि तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। याद रखिए जैसे पंछियों के पीने से नदी का जल नहीं घटता, वैसे ही दान देने से धन नहीं घटता बल्कि धन बढ़ता है। ये गलत फहमी हमें रहती है कि अगर हम दान देंगे तो धन खर्च हो जाएगा। मेरे भाई धन खर्च नहीं होता, वो पैसा भले ही खर्च होता है लेकिन बढ़ता है आशीर्वाद और पुण्य के रूप में। आइए ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप भी इन माओं के चरणों की सेवा करें। जिन माओं के चरणों की सेवा करते हुए आज सद्गुरुदेव भगवान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आइए आप भी इस माओं का सहारा बने, इस परिवार का हिस्सा बने जो आश्रम परिवार यहाँ निरंतर कार्य कर रहा है। 275 माएं हैं और पूरे दुनिया से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग सभ्यता से, अलग अलग परिवेश से यहाँ माएं रह रही हैं। सभी को एक समान प्यार यहाँ मिलता है, एक समान सबकी सेवा होती है। ऐसे में माओं की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और बड़ी सुंदर सेवा यहाँ गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र के रूप में आपको देखने को मिलती है। आपने दर्शन किए होंगे, सुबह लोग जो आते हैं अपनी आंखों से देखते हैं, यही परिक्रमा मार्ग पर सद्गुरुदेव भगवान अन्य क्षेत्र की पावन सेवा करते हैं, अन्नदान अपने हाथों से बांटते हैं और इस अन्नदान की कोई सीमा नहीं है, जो जितना चाहे उतना ले सकता है। भरपेट भोजन लेकर के जाता है, निशुल्क भोजन दिया जाता है और वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी वाला, जो हम पाते हैं, जो महाराज जी पाते हैं, वही प्रसाद आपको भी पाने को मिलता है और वही यहाँ से वितरित होता है, वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी का। जरा सोचिए कितना सुंदर कार्य हमारे सद्गुरुदेव भगवान कर रहे हैं, तो क्यों ना जुड़े उनके साथ में, क्यों ना करें ये सेवाएं। जब इतने सुंदर कार्य हमारे सद्गुरुदेव भगवान कर रहे हैं, गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र के माध्यम से हजारों संतों के दर्शन हम करते हैं और रसोई की पावन सेवा से जुड़ते हैं और जुड़ करके हजारों संतों की सेवा में अन्नदान करने का सौभाग्य हम प्राप्त करते हैं। इसी के साथ में कहते हैं कि अन्नदानम समम दानम न भूतो न भविष्यति। अन्न जैसा महादान न कभी भूतकाल में हो सकता है न कभी वर्तमान काल में हो सकता है, क्योंकि अन्नदान वो दान होता है जो जीवन दान देने के समान होता है। याद रखिए ये जो शरीर हमें बड़ी यात्राओं के बाद में मिला है, ये शरीर अन्नमय और जलमय है, इसको जैसे सांसों की जरूरत है वैसे ही इस शरीर को अन्न की और जल की जरूरत होती है। याद रखिए जब हम जल दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, तो लगता है कि जैसे हमने किसी को जीवन दान दिया है। तो सोचिए कितना अच्छा कार्य हम करते हैं, वो लोग करते हैं जो अन्नदान करते हैं। ऐसे में मैं चाहूंगा कि इन माओं की सेवा के साथ में इन संतों की सेवा से जुड़कर आप अन्नदान की पावन सेवा से भी अपने आप को जोड़ें, अन्नदान आप करें और यहां चलने वाली दिव्यतम रसों की पावन सेवा की भी दर्शन करें। जो लोग वृंदावन नहीं आए मैं स्पेशली उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार वृंदावन के आकर के देखें, आप ये देखें, अनुभव करें कि हम जो बता रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं, वे वास्तव में सही भी हैं या नहीं है। ऐसे में जब आप यहां आएंगे, अपनी आंखों से आप देखेंगे, तो आप ये अनुभव करेंगे कि जो भी यहां बताया जा रहा है, जो भी दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा सेवा का कार्य निरंतर सद्गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। आइए
इसी श्रेणी में मैं चाहूंगा कि आप एक दिन की क्यों ना रसोई की पावन सेवा का कार्य भी अपने हाथों से करें, जहां मात्र 31,000 रुपए के छोटे से योगदान से हजारों लोगों को प्रसादी पवाने का सुअवसर हमें मिलता है। जरा सोचिए, जब हम प्रसादी ग्रहण करते हैं तो कितनी तृप्ति हमें होती है, हमारी आत्मा से हमारे दिल से आशीर्वाद निकलता है। जब एक साथ आप 31,000-30,000 लोगों को भोजन प्रसाद पवाएंगे तो उन सबके दिल से निकलने वाली दुआएं कितनी फलीभूत होंगी और कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसे में मैं चाहूंगा कि एक दिन की संपूर्ण रसों की पावन सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ें, और जुड़े ही नहीं अपने आप को तो जोड़ें और भी लोगों को जोड़ें, क्योंकि कहते हैं कि पुण्य जोड़ने से बढ़ता है, पाप बांटने से घट जाता है। जब आप पाप को किसी दूसरे को बताते हैं तो वो कम हो जाता है, और पुण्य जब आप औरों को जोड़ते हैं तो पुण्य बढ़ जाता है, यही प्रक्रिया है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप स्वयं तो जुड़े ही और भी लोगों को जोड़ें और भी लोगों को तैयार करें ताकि वो भी पुण्य की प्राप्ति कर सके कुछ अच्छे अपने जीवन में कार्य करते हुए। निरंतर सेवाओं के माध्यम से रसोई की पावन सेवा के साथ में बड़ी सुंदर सेवा यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में गौमाताओं की हो रही है। एक से एक सुंदर गौमाता यहाँ गौरी गोपाल गौशाला में रह रही हैं, जिनकी बड़ी सुंदर सेवा पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से और आप सबके सहयोग और प्यार के माध्यम से निरंतर हो रही है। ऐसे में यहाँ होने वाली गौमाताओं की सेवा से जुड़कर आप गोदान की पावन सेवा कर सकते हैं। कहते हैं कि गोदान की पावन सेवा एक बार मरने से पहले हर व्यक्ति को अपने जीवन में कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो दान होता है जो हमें भवसागर से पार करता है। गौमाता ही हमें भवसागर से पार करती है। ऐसे में क्यों ना आप भी गौमाताओं की सेवा से जुड़े, गोदान की पावन सेवा करें, और साथ ही यहाँ गौमाताओं के लिए हरा चारा, ऐसी पावन पवित्र भूमि जो गौचरण भूमि के रूप में यहाँ ली जा रही है, आवंटित की जा रही है, ऐसी पावन पवित्र भूमि का आप भी दान कर सकते हैं, और भूमि दान की पावन सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। देखिए, सद्गुरुदेव भगवान अपने हाथों से यहाँ गोदान करवा रहे हैं, कितना सुंदर ये कार्य है जो सद्गुरुदेव भगवान स्वयं अपने हाथों से करवा रहे हैं। ऐसे में मैं चाहूंगा कि गोदान की पावन सेवा से गौचरण की पावन भूमि से जहां इन गौमाताओं के लिए हरा चारा उगाया जाएगा, ऐसी पावन पवित्र भूमि की सेवा से आप अपने आप को जोड़ें। इसी के साथ में गौमाताओं की सेवा के साथ में यहाँ बड़ी सुंदर सेवा इन गौमाताओं के लिए हरे चारे के रूप में आप कर सकते हैं। आप इन गौमाताओं के लिए आप बिनोला खल आप हरा चारा इत्यादि आप अपने योगदान के हाथ तक बढ़ाते हुए गुड़ इत्यादि इन गौमाताओं के लिए प्रदान कर सकते हैं और अपना नाम लिखाते हुए पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ एक और बड़ी सुंदर अति पावन महत्वपूर्ण सेवा तुला दान की सेवा चल रही है। तुला दान करने से कहते हैं बड़ा ही सुंदर पावन पुण्य मिलता है। तुला दान की पावन सेवा से जुड़कर आप अपने वजन के हिसाब से गौमाताओं के लिए हरा चारा, यहाँ चलने वाले अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए खाद्य सामग्री, जैसे कि आप आटा दाल चावल चीनी नमक इत्यादि मिठाई पंचमेवा जो भी आप तुला दान की सेवा करना चाहें, तुला दान की पावन सेवा से जुड़ करके आप यह पावन पुनीत कार्य भी अपने हाथों से कर सकते हैं, वो भी यही गौरी गोपाल आश्रम में। इसी के साथ में गोदान की पावन सेवा से मात्र 25,000 रुपए के योगदान से गोदान की पावन सेवा संपूर्ण गौशाले की सेवा आप 11,000 रुपए, एक दिन की हरे चारे की सेवा आप 2100 रुपए, गौचरण की भूमि की सेवा आप एक वर्ग गज के लिए 5100 रुपए का योगदान देते हुए अपने हाथों से कर सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र और भी सेवाओं के साथ में अब चलेंगे पावन निर्माण कार्य की ओर जो यहाँ निरंतर हो रहा है। आपने देखा ही होगा बड़ा ही सुंदर आश्रम, जिसके आप यहाँ बेसमेंट में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, बड़ा ही सुंदर आश्रम का दिव्य निर्माण कार्य यहाँ हो रहा है। ऐसी पावन पवित्र आप सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप जिस लायक हैं, अगर आप एक ईंट का सहयोग देने लायक हैं तो आप एक ईंट के लिए 11 रुपए तो दे ही सकते हैं। इतना सुंदर कार्य है, जहाँ यहाँ माओ के लिए मंदिर बन रहा है, जहाँ सेवा भी माओ की होगी, पूजा भी माओ की होगी, ऐसे दिव्यतम कार्य से जुड़कर आप भी इस निर्माण कार्य में एक आहुति अपने हाथों की लगा सकते हैं पुण्य कमाने के लिए। अगर आप एक ईंट लगाने लायक है तो एक ईंट लगाएं। मैं चाहूंगा कि इस दिव्य निर्माण कार्य से आप भी अपने आप को जोड़ें। आइए, इसी के साथ में अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप एक कमरा मात्र 5 लाख रुपए के योगदान से संपूर्ण इन माओं के लिए बनवा सकते हैं। संपूर्ण कमरा जहां माएं रहेंगी, और आपके और हमारे ना रहने पर भी जब यहां माएं रहेंगी, सेवा होगी, तो उससे पुण्य की प्राप्ति हमें निरंतर होती रहेगी। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप यहां एक कमरा अगर सामर्थ्यवान हैं तो इन माओं के लिए अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से बनवाएं और आप पुण्य की प्राप्ति करें। इसी के साथ में आप ये नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप किसी एक कमरे की छत के लिए मात्र 51,000 रुपए आप दान कर
करते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। मात्र 51,000 रुपए के योगदान से एक सुंदर सी छत की व्यवस्था इन माओं के सिर पे आप इस आश्रम में करवा सकते हैं। इसी के साथ में बड़ी सुंदर पावन और भी सेवाएं, जैसे कि गुरुकुल की पावन सेवा, यहाँ बड़ा ही सुंदर पावन गुरुकुल की सेवा चल रही है और एक वर्ष यहाँ सुखद संपूर्ण हुआ, जहाँ एक साल यहाँ निःशुल्क 100 बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की। एक बार जोरदार तालियां सद्गुरुदेव भगवान के लिए, इस पावन गुरुकुल के लिए, जहाँ निरंतर अपनी संस्कृति के बचाव के लिए, अपने संस्कारों के बचाव के लिए यहाँ ऐसे योग्य बच्चे, ऐसे योग्य छात्र तैयार किए जा रहे हैं, जो न केवल अपने समाज का बल्कि अपने राष्ट्र का, अपनी वैदिक परपाटी, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का नाम रोशन करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि गौरी गोपाल गुरुकुल से निकलने वाले छात्र इस दुनिया में क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए, एक साल संपन्नता की खुशी में अब यहाँ दूसरी वर्ष का पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है जुलाई से। ऐसे में मैं चाहूंगा कि गुरुकुल की सेवा से अगर आप जुड़ने लायक हैं तो आप जुड़े। अगर आप एक पाठशाला कक्ष संपूर्ण बनवा सकते हैं तो एक पाठशाला कक्ष बनवाएं इन विद्यार्थी गणों के लिए। आप जो भी व्यवस्था करने लायक है, पठन पाठन की सामग्री, आप इनके लिए ब्लैक बोर्ड देना चाहें, चाक खड़िया, जो भी जिस योग्य देने लायक है, आप इनके लिए बिस्तर दे सकते हैं, इन छात्रों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर सकते हैं। आप जिस लायक है उस सेवा से जुड़ करके आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। आइए, मैं तो यही कहूंगा कि अपने लिए ना सही, अपने समाज के लिए सही, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कारों के लिए ही सही। आइए अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं और जो गुरुकुल की सेवा गुरुदेव भगवान ने प्रारंभ की है, इसको आगे बढ़ाते हुए और ऊंचाइयों तक ले जाएं और पुण्य का कार्य करें। इसी के साथ में गुरुकुल की पावन सेवा के साथ में और भी अन्यत्र सेवाएं, बंदर सेवा, दवाइयों की पावन सेवा यहाँ निरंतर चलती है। पोथी पाठ आज से यहाँ प्रारंभ हुए और पोथी पाठ यजमान परिवारों की तरफ से निरंतर सद्गुरु भगवान ने यहाँ आज प्रथम दिवस से ही पूजन अर्चन वंदना करते हुए सभी ब्राह्मणों का आह्वान करते, सभी का वरण करते हुए बिठाया और प्रार्थना की कि जितने भी पोथी पाठ यजमान परिवार जुड़े उन सब की मंगल कामनाओं की पूर्ति यहाँ से सद्गुरु भगवान के माध्यम से, प्रार्थना के बल के माध्यम से हो सके। आइए, मैं चाहूंगा कि इस बार जो भी छूट गए, जिनका पोथी पाठ नहीं बैठ पाया, वो आगामी पोथी पाठ में बैठे। ये देखिए, गुरुकुल में यहाँ यज्ञोपवी संस्कार चल रहा है। जितने भी यहाँ हमारे वैदिक ब्राह्मण, हमारे बटुक ब्राह्मण रहे, रीति रिवाज से उनका यहाँ जनेऊ संस्कार किया गया। सभी को यहाँ से शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, उच्च योग्य बनाया जा रहा है। इतनी सुंदर शिक्षा प्रणाली यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में है, जहाँ संस्कृत तो पढ़ेंगे ही, यहाँ से अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, लेकिन नाम रोशन अपनी मातृभाषा का करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बनती है पावन कार्य के लिए, जिस कार्य से जुड़ने का सुअवसर हमें मिल रहा है। आइए, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी उदासी आपकी दूर की जाए एक प्यारे से भजन के साथ में। हमारे अंकित भैया, सुखदेव भैया एक प्यारा सा भजन सुनाएंगे और हो सकता है कि उसी क्षण में सद्गुरु भगवान का आगमन हो जाए। एक बार जोरदार ताली हमारी पूरी संगीत टीम के लिए। आइए, एक मधुर से भजन के साथ में अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। बलवान के बिहारी लाल की जय। हो सखी सपने में हो सखी सपने में कनों की बात हो गई, हो सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। जरा ताली ताली जय हो। जय हो। जरा मस्ती के साथ ताली सेवा करते हुए हो सखी सपने में, हो सखी सपने में कनों की बात हो गई, सखी सपने में कनों की बात हो गई। सावर से हो, हाँ सावर से, सावर से, सावर से मेरी मुलाकात हो गई, हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई, हाजी सावर से मेरी मुलाकात हो गई, हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में कनों की बात हो गई, सखी सपने में कनों
की बात हो गई। सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हजी सावर से मेरी मुलाकात हो गई। जय हो हम तो गहरी नींद में सोए रही थी। मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी। उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी। उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी। सखी कैसे है हो सखी कैसे बताओ करा मांग हो गई। सखी कैसे बात हो गई। सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हजी सावर से मेरी मुलाकात हो गई। धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगा। धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगा। मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगा। मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगा। हो मेरी अखियों से हो मेरी अखियों से अश्क की बरसात हो गई। मेरी अखियों से अश्क की बरसात हो गई। सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हजी सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हम अपने साजन की पगली दीवानी हुई। अपने साजन की पगली दीवानी हुई। हम भक्तों की ऐसी कहानी हुई। हम भक्तों की ऐसी कहानी हुई। मिली उसकी ही हम मिली उसकी झलक ये सौगात हो गई। मिली उसकी झलक ये सौगात हो गई। सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हजी सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हो सखी सपने की बात हो गई। सखी सपने में कनों की बात हो गई। सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हजी सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हजी सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावर से मेरी मुलाकात हो गई। हजी सावर से मेरी मुलाकात हो गई। बोल बात कर बिहारी लाल। एक बार जोरदार तालियां हमारी पूरी टीम के लिए। बड़ा ही सुंदर भजन सुनाया।
और अब थोड़ी देर में सतगुरुदेव भगवान का आगमन होने जा रहा है। बड़ा ही सुंदर आपका सब्र रहा, और कहते हैं कि सब्र करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना होगा गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। तो देखना जो आप इंतजार कर रहे हैं, जो प्रतीक्षा की घड़ी का आपको इंतजार है, वो इतनी सुखद होने वाली है आपने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए, बताया नहीं जाएगा। थोड़ी देर में जो होने वाला है वास्तव में आपकी आंखों के लिए बड़ा सुखद और आनंददायक रहेगा, क्योंकि आज सद्गुरु भगवान किस विलंब के कारण यहाँ आ रहे हैं, विलंब से वो आप खुद देखेंगे तो सब भूल जाएंगे अपनी पीड़ा अपनी थकान। तो थोड़ा सा और इंतजार, थोड़ी सी और प्रतीक्षा करेंगे, और उसके बाद में सद्गुरु भगवान का दिव्य दर्शन हम और आप सभी लोग करेंगे। आइए तब तक सद्गुरु भगवान आए, एक बार फिर से झूमेंगे मस्ती में। इस बार हमारे सुखदेव भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां सुंदर से भजन के लिए। अरे रंग पाको सवरिया डार गयोरी, अरे डार गयो डार गयो डार गयो री। बिहार जी का रंग किसको किसको पड़ा है, जरा हाथ खड़े करके बताएंगे। क्या बात है, सभी रंगे हुए हैं, और जरा मस्ती के साथ में ताली से वह करते हुए, और जिनको नाचना है जरा झूमते हुए। अरे डार गयो डार गयो डार गयो री, डार गयो डार गयो डार गयो री। रंग पाको रंग पाको सवरिया डार गयो री, रंग पाको सवरिया डार गयो री, रंग पाको सवरिया डार गयो री, डार गयो डार गयो डार गयो री, डार गयो डार गयो डार गयो री, रंग पाको सवरिया डार गयो री, रंग पाको सवरिया डार गयो री, रंग पाको सवरिया। सारी सरस रंग जर तारी, सारी सरस रंग जर तारी, हर पिचकारी हो हर पिचकारी मार गयो री, रंग पाको हो रंग पाको, रंग पाको सवरिया डार गयो री, रंग पाको सवरिया डार गयो री, रंग पाको सवरिया। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अरे बंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव। हो बंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव, हाँ वंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव। हाँ ब्रह्म स्वरूपा साक्षी स्वरूपा भक्ति स्वरूपा है गुरुदेव, शक्ति स्वरूपा है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव।
का स्वागत है गुरुदेव, आहा वंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव। बोलिए बागेश्वर धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, श्री बागेश्वर धाम की, पूज्य महाराज जी की, पूज्य श्री महाराज जी के साथ आए सभी भक्तों की, इंद्रेश भैया की, भैया धीरेन्द्र भैया की, आप सभी भक्तों की। आज हमारे बीच में भगवान के ही स्वरूप में अतिथि देवो भव, इसलिए हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आज भगवान इस रूप में पधारे हैं। सुंदर तालियों के साथ आप श्री का स्वागत करें। और आज सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्रेम से सब बैठ जाइए, सब लोग शांति से बैठ जाइए, आज शांति से बैठिए। मैया बैठ जाओ। आज हमारे बीच में महाराज जी आए हैं, महाराज जी को जल्दी ही जाना है, इसलिए दो शब्द महाराज जी की दिव्य वाणी से श्रवण कर लेंगे। पूज्य इंद्रेश भैया अपनी वाणी हम तक पहुंचाएंगे और सुंदर हम उनकी दिव्य वाणी को दो मिनट सुन के फिर पूज्य महाराज जी को श्रवण करेंगे। एक मिनट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गौरी गोपाल भगवान की, सब संतन की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। परम आनंद का आज लक्षण यहाँ दर्शन हो रहा है। हमारे परम पूजनीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल आश्रम में आज पुनः आने का अवसर हुआ और आज वृंदावन की भूमि पर साक्षात श्री हनुमान जी के ही रूप में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पधारे हैं। उनका ब्रजवासी होने के नाते बहुत बहुत अभिनंदन, खूब खूब स्वागत। ज़्यादा बोलने का अवकाश नहीं है, आप सब लोग कथा श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। बस आप सब लोगों को बारंबार, अब होली तो निकल गई है पर वास्तव में अब लग रही है रंग बिरंगी सी होली, होली तो अब लग रही है कि यहाँ ऐसे महापुरुष पधारे हैं। तो ऐसे पावन होली उत्सव की आप सबको खूब खूब बधाई हो, खूब बधाई हो। अब महाराज जी दो शब्द कहें फिर आप लोग कथा श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री राम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। डले रहो दरबार में, कहां बांके बिहारी के दरबार में, डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री किशोरी जू की, गौरी गोपाल धाम की, परम पूज्य श्री संत जनों की, जगत गुरु भगवान की, श्री सीता राम नाम भगवान की, हमारे अगल बगल भगवान की कृपा से दो दो अनुज खड़े हैं। एक तरफ से आप हमें सुरक्षित किए हैं, दूसरी तरफ से आप सुरक्षित किए हैं, फिर भी कुर्ता फटते फटते बचा है। हमारे प्रिय अनुज बाग देवी सरस्वती के बड़े ही अद्भुत कृपा पात्र और श्रीधाम वृंदावन के कथा व्यासों में सिरमौरी के रूप में जिन्हें जाना जाता,
पूजनीय पिताजी श्री ठाकुर जी के सुपुत्र हमारे दक्षिण भाग में अनुज आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, आपके ऊपर सरस्वती की बड़ी कृपा है। और बाम भाग में गौरी गोपाल धाम के द्वारा पूरे विश्व को एक नई क्रांति से जोड़ने वाले और कथा व्यासों में एक नई लकीर को खींचने वाले, वृद्धों के सम्मान को बढ़ाने वाले और अन्नपूर्णा माता की कृपा से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ब्रज की रज और ठाकुर जी वृंदावन की राजधानी में वास कर रहे हैं। ऐसे हमारे अनुज जिनके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा और आप लोगों के बड़े ही चहेते लाडले, आचार्य पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी, हमारा सौभाग्य है कि हमको श्री धाम वृंदावन आने का मौका मिला, सब संतों के दर्शन मिले और गौरी गोपाल की दिव्य सेवा देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सामने से यहां तक आने में ऐसा लगा जैसे 14 साल का वनवास कट गया हो, लेकिन आप सबका भाव ब्रज के प्रति, ठाकुर जी के प्रति जो है बड़ा अद्भुत है। आज प्रवचन का विषय नहीं है अपितु आगामी हमें यात्रा पर जाना है, पर दो शब्द में हम इतना ही कहेंगे, कथा के द्वारा तो सबने समझाया पर कथाकार वही है जो चरित्र निर्माण करके दुनिया को सिखा सके। चित्र के द्वारा तो बहुत लोगों ने समझाया पर चरित्र के द्वारा तो कुछ महापुरुष ही समझा सकते हैं। ऐसे श्री धाम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में हम आए हैं और यहां आकर बड़ी आत्मानुभूति हुई, बड़ा अद्भुत लगा कि हमारे प्रिय ऐसी सेवा कर रहे हैं जो निश्चित रूप से जनमानस के लिए एक नई क्रांति है। हनुमान जी करें, बालाजी करें, सन्यासी बाबा करें, इनको काऊ की नजर ना लगे। ऐसी सन्यासी बाबा कृपा करें। और इस मंच से एक ही बात कहेंगे, बहुत ही जल्दी श्री धाम वृंदावन के 20 किलोमीटर के क्षेत्र से मांस मदिरा का विक्रय पूर्णतया बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी हमारी आत्मा है, ब्रजवासी हमारे प्राण है। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि कोई भी ब्रजवासी तुमको स्वीकार कर ले तो ये समझना साक्षात बांके बिहारी ने तुमको अपना बना लिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ब्रजवासियों का लाड़ आशीर्वाद, उनका स्नेह ममत्व, पूजनीय पिताजी श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद सब महापुरुषों का मिलता है। तो हम प्रियजनों से यही प्रार्थना करेंगे, आप ब्रज में तो आए हो, कथा सुनने आए, दर्शन करने आए, पर हमारी यही प्रार्थना है इस कथा को अपने जीवन में चरित्र में उतार कर और वृंदावन के लिए एक मांग जरूर करना, शीघ्र ब्रज धाम से मांस मदिरा का विक्रय बंद हो जाना चाहिए। और SHO साहब भी हमारे बड़े ही लाडले हैं, आनंद साही जी बालाजी के बड़े ही कृपा पात्र हैं, इनको भी हम कहेंगे कि अगर ऐसे कुछ दिखे तो आप तो प्रशासन हैं, निश्चित रूप से भारत कानून व्यवस्था पर चल रहा और हम कानून के अंतर्गत ही जीना चाहते हैं, तो हम ब्रजवासियों के लिए बहुत ही जल्दी ठाकुर जी तो मथुरा में विराजमान होने ही वाले हैं, त्रेता युग आ गया अब द्वापर भी आने वाला है, ये भारत बाबर का नहीं रघुवर का है। तो मथुरा में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी अनवरत कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्रांति खड़ी कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी सभी ब्रजवासी ठाकुर जी को तो विराजमान करवाएंगे, पर गौरी गोपाल के मंच से एक काम जरूर होना चाहिए, श्री धाम वृंदावन के मांस मदिरा विक्रय पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। कौन कौन ऐसा चाहता है? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। जो नहीं चाहता है उसका क्या, जो बेचने वाले हैं उनकी ठटरी। इसी के साथ गौरी गोपाल धाम की, बागेश्वर धाम की,
बांके बिहारी लाल की, गौरी गोपाल धाम के पागलन की, अरे पागलो सीताराम, सीताराम जोर से बोलो सीताराम, सीताराम सीताराम। आप लोग बढ़िया कथा सुनो, हम अपने अनुज को बढ़िया कथा पे विराजमान करवा रहे, इनको काव की नजर ना लगे, इनके सभी कामों में सहयोग करो, सब लोग कथा सुनो, माताओं को भी मिलो। हम मिले, बहुत आनंद आया, माताओं ने बताया, एक माता जी बोली गुरु जी हमें तो यहाँ खाने को इटली भी मिलती है। हमने कहा माता जी ये इटली क्या है, बोले वो चावलन की नहीं बनाता, अरे हम कह इडली। तो बड़ा भोलापन, बड़ा आनंद आया। अब हम कथा प्रारंभ करवा देते हैं और हम ले रहे विदा, दोबारा कभी आ भी खूब प्रवचन सुना भी, चिंता ना करो, बोलना पड़ेगा गौरी गोपाल धाम की, गौरी गोपाल धाम की, गौरी गोपाल धाम की। हम तो बालाजी के बालाजी, बोलिए स्वामी जी सरकार की। महाराज जी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन, आप आए अपनी चरण रज हमें प्रदान, आपके माध्यम से आपने कराया, हम कृतार्थ हुए आपके चरण रज से, आपके दर्शन से। पूज्य इंद्रेश भैया जी के चरण रज, पूज्य महाराज जी के चरण रज से हम कृतार्थ हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला यतनो हरि हरि ओम आजम्यम राजम्यम केशवाय नारायणं माधवाय नमस्तो वृक्षाय ऋषिकेशाय नमो नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे आवाहनार्थे चितान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि यथारार्थिक्यम् ओम चंद्रमा मनसोर्जात शिक्षोः सूर्यो जायत स्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखा दग्ने रजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ
ये मोक्ष पंक्ति पंचम में दिन राला नब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम धर्मावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्द भवम भवानी सैकम नमामि भवम भवानी सैकम नमामि भवम भवानी सैकम नमामि ॐ जयनसिद्धि गणं पुष्पै देवादिमनमारोग्यादन्तं मन्त्र पुष्पाञ्जलिः ॐ नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर श्री प्राण पुरुषोत्तमान मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग विराजमान हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आसन ग्रहण कर चुके हैं और आइए प्रवेश करेंगे आज की दिव्य पढ़ी सुंदर पावन कथा की। सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोले राधे। अब आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे सभी लोग। हरि श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्याम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथ समारंभां नाचयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम
कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, ओ लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम। कौन कौन लिपटना चाहता है भगवान के चरण कमल में, तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें ब्रज की रज बनाओ ताकि हम आपके चरण में रज बन के लिपट जाएं। थोड़े भाव से जरा झूमते हुए जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। नित दर्शन पाऊं मैं तेरा, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, हरषि के हरि गुण गाऊं, हरषि के हरि गुण गाऊं, हरषि के हरि गुण गाऊं, हरस हरस के हरि गुण गाऊं, रस रस बस जाऊं श्याम लिपट जाऊं रज बन के, हाँ मेरी रस रस बस जाऊं श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। वत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की, आपका स्वागत है आप आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में।
भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और आज भगवान की कृपा आप सभी पर इस तरह बनी कि आज पुनः हम इस पावन से माह में कथा का रसपान करने जा रहे हैं और भगवान की कथा की गंगा में डुबकी आज से फिर 7 दिन के लिए लगाने जा रहे हैं। आज से यहाँ भागवत जी के पाठ बैठे हैं, पोथी पाठ। आप सभी ने परिवारों के नाम सुने, यहाँ कथा का रसपान करने के लिए आए सभी आप भक्तजन, कथा में परीक्षित बने सभी माताएं बहनें भक्तजन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सब पर कृपा बनी रहे, सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए प्रवेश करते हैं आज की भागवत की पावन कथा में। मैया अब शांत रहो, जो जहां बेटा जहां है बैठ रहे, शांति से शांत रहिए, चुप रहिए, टुप्पी टाप रहिए मस्त और सुनिए ध्यान से। भगवान की कथा हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है देखो। अच्छा ये बताओ, गंगा हम सबको पानी पिलाती हैं, यमुना जी पानी पिलाती हैं, सरयू जी, मतलब भारत की प्रत्येक नदी हमारा पानी देकर के पालन करती हैं। अच्छा ये बताओ, ये नदियां हम सबको पानी क्यों पिलाती हैं, किस बल से पिलाती हैं, क्या सोर्स है इनके पास, बताओ। सारी नदियां भारत की किस से कनेक्ट हैं, उत्तर दो, किस से? हिमालय से। नदियों के पास पानी आ कहां से रहा है? उनका खुद का पानी नहीं है, वो तो हिमालय का है। अच्छा नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है यदि हिमालय से कनेक्ट ना हो, स्रोत से कनेक्ट ना हो। चलो नर्मदा मैया तो हिमालय से भी कनेक्ट नहीं है, पर एक स्रोत है पानी का, जहां से उन्हें निरंतर पानी मिल रहा है और वो सब तक पानी पहुंचा रही हैं। जैसे आप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं तो आप हैं नदी गंगा, हर स्त्री है गंगा, जो अपने बच्चों को जन्म से लेकर ज्ञान देना स्टार्ट करती है। हर पिता है गंगा, जो जन्म से लेकर आप अपने बच्चों को ज्ञान दे, बेटा ये नहीं करना, बेटा यहां नहीं जाना, बेटा ये नहीं खाना, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ये करना है, यहां जाओ, ये करो, ये अच्छा करो। मतलब हर माँ बाप अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं ना जन्म से। जब वो होश संभालता है पूछता है कि ये क्या है, माँ बोलती है ये रोटी है, ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, ये कमरा है, ये हॉल है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, कौन बताता है आपको, किसने बताया कि ये गाय है, ये बकरी है, ये भैंस है, बोलो। इस धरती पर आज हम लोगों को जितना ज्ञान है उससे आधा ज्ञान तो हमारी माँ ने बिना पुस्तक के, बिना कॉपी किताब की दे दिया था यूं ही, हाँ या ना, सबका बोध करा दिया था, ये कुआ है, ये तालाब है, ये नदी है, ये गांव है, ये शहर है, ये खेत है, ये खलिहान है, ये सब कुछ, ये कटोरी है, ये गिलास है, ये चम्मच है, ये गोभी है, ये भिंडी है, ये पालक है, ये पनीर है, ये दूध है, ये दही है, ये घी, ये सब किसने बोला? तो बताइए माँ उस गंगा की तरह, गंगा पानी देती है, माँ ज्ञान दे रही है, पिता ज्ञान दे रहा है। अब ये बताइए कि ये माँ बाप सदियों से हमें ज्ञान देते चले आए हैं, आखिर कौन से माँ बाप श्रेष्ठ हैं? अब प्रश्न ये है कि हर माँ बाप श्रेष्ठ नहीं है, कौन से माँ बाप श्रेष्ठ हैं? देख लो ना आप, क्या है, क्या हिरण्यकश्यपु श्रेष्ठ है? वो भी तो एक बच्चे का बाप है। क्या कैकेयी माँ श्रेष्ठ है? वो भी तो भरत जैसे भक्त की माँ है। क्या रावण की माँ श्रेष्ठ है? आज तक कोई रावण की माँ को श्रेष्ठ बोला? ध्रुव की माँ को श्रेष्ठ बोला? प्रहलाद की माँ को श्रेष्ठ बोला? स्वामी विवेकानंद की जी की माँ को श्रेष्ठ बोला? किसी ने बाबर की माँ को श्रेष्ठ नहीं बोला? क्यों? बात यही है कि गंगा सबको ज्ञान देती है पर वो हिमालय से कनेक्ट है, जुड़ी है,
यदि हिमालय से कनेक्ट ना हो तो गंगा सूख जाए। बस यही है कि जो माँ बाप सत्संग से कनेक्ट हैं, संतों से जुड़े हैं, वो अपने बच्चों को सही ज्ञान दे पाएंगे। हिमालय क्या है? संत सत्संग, संत दर्शन क्या है? हिमालय, हिमालय क्या करता है? हिमालय हमेशा ठंडा है। हिमालय ठंडा है कि गर्म? उत्तर दो। तो संतों की बातें सुनने से दिमाग गर्म होता है कि ठंडा? तो संत हिमालय है या नहीं? हिमालय जैसी गंभीरता है, हिमालय जैसी एकाग्रता है। आप सत्संग सुनते हैं, 7 दिन कथा सुनेंगे, 7 दिनों में आप वो सीख। यहाँ पर एक बात कही गई, एक श्लोक बोलता हूँ, उसका अर्थ कीजिएगा। ये श्लोक मैंने 7वीं क्लास में पढ़ा था, जब मैं 7वीं क्लास में था उस समय मेरे सिलेबस में ये श्लोक था संस्कृत। श्लोक चाणक्य का है, इसका अर्थ बताना है आपको। श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी। फिर से सुनिएगा, माता, मेरे संग बोलो, माता, माता शत्रु पिता वैरी। वैरी मतलब दुश्मन, माता शत्रु पिता वैरी। अब यहां पर कह रहे हैं माता शत्रु। अच्छा बताइए, माता शत्रु है क्या? उत्तर दो, हाँ या ना। तो यहां क्यों कहा गया कि माता शत्रु पिता दुश्मन? पिता वैरी, वैरी मीन्स दुश्मन। तो बाप कभी दुश्मन हो सकता है, माता कभी दुश्मन हो सकती है, पर कहा चाणक्य ने माता शत्रु पिता वैरी। क्यों कहा? किस माँ बाप को कहा? बोले, आगे बोला, ये न बालो न पाठिता। वो माँ बाप दुश्मन है अपने बच्चों के, जो माँ बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार नहीं देते, पढ़ाते लिखाते नहीं। ये न बालो न पाठिता। अच्छा, नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? न शोभते, वो बालक शोभा नहीं पाएगा। सभा मध्य, उस सभा में शोभा नहीं पाएगा जिस सभा में हंस मध्य बको यथा। जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, ऐसे पढ़े लिखे योग्य लोगों के बीच में असंस्कारी व्यक्ति शोभा नहीं पाता, कुसंस्कारी व्यक्ति शोभा। इसलिए आप माँ बाप केवल बच्चे पैदा करने से नहीं बन जाओगे, माँ बाप तब बनोगे जब आप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दोगे, श्रेष्ठ परवरिश करोगे। और श्रेष्ठ परवरिश क्या है? स्कूलों में सब कुछ नहीं है मेरी माँ, स्कूलों में सब कुछ नहीं है। स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गलत ट्रैक पर चले गए, लिव इन में रह रहे हैं, वारों में जाके, थिएटरों में जाके नाच रहे हैं। क्या हमारी भारतीय शिक्षा आपको इस दिशा में ले जाती है? नहीं। आप कहां भटक गए? देखो, दो चीजें होती हैं, एक शिक्षा, एक दीक्षा। फिर से दोहराओ, शिक्षा प्लस, अब ये शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या है? क्या है ये दीक्षा, क्या है शिक्षा? स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है वो क्या है? कॉलेजों में जो मिल रहा है, यूनिवर्सिटियों में जो मिल रहा है, जो लेक्चर मिल रहे हैं, वो क्या है? वो शिक्षा है। लेकिन वो शिक्षा वंचित रह गई दीक्षा से। ये दीक्षा क्या है? दीक्षा मीन्स संस्कार, दीक्षा मीन्स संस्कार। अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना। जलेबी मीठी होती है, हाँ या ना? हाँ या ना, बताओ, होती है, हाँ या ना? जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी की क्या ताकत कि वो मीठी हो जाए। उसी प्रकार शिक्षा पद्धति है जलेबी, शिक्षा है, जोर से, शिक्षा है और दीक्षा है चाशनी। जब तक शिक्षा को संस्कार की चाशनी में नहीं डुबाओगे तब तक वो ग्रहण करने योग्य नहीं होगी, और ना वो आपका भला करेगी ना आपके परिवार का। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी माताएं हैं जिनके बेटे प्रोफेसर हैं। यहां ऐसी माताएं भी हैं जिनके बेटे
प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, सरकारी जॉब है, अच्छे खासे पद पर हैं, करोड़ों का एक मैया के तो बेटा है, उनके पास लाख लाख रुपए के कुत्ते हैं, रिच फैमिली है, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन शिक्षा तो है उनके पास, पर क्या भूल गए? दीक्षा। दीक्षा मीन्स संस्कार, संतों से जुड़ना भूल गए, अच्छी बातें सुनना भूल गए, क्लबों में जाने का समय तो रहा, शराब की पार्टी, किट्टी पार्टी का समय तो रहा, लेकिन सत्संग के लिए समय ना निकाल पाए, इसलिए सब कुछ किया धरा, बढ़िया रबड़ी हो, मस्त आपने बढ़िया रबड़ी बनाई हो, और रबड़ी बस थाली में परोसी गई हो, खाने वाले हैं तभी उसमें थोड़ा सा गोबर गिर जाए, गोबर तो क्या फिर वो ग्रहण करने योग्य है? वही कहावत है ना, किए धरे पर सब गोबर, तो आपने कितना भी पढ़ा, कितना भी बच्चों को पढ़ाया, पर संस्कार देना भूल गए तो सब किए धरे में गोबर हो गया, सब गोबर। इसलिए माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। माँ बाप को ज्ञानी होना चाहिए ताकि वो बच्चों को संस्कार दे पाए, और माँ बाप ज्ञानी तब होंगे, गंगा में पानी तब होगा जब वो हिमालय से कनेक्ट होगी, माँ बाप में ज्ञान तब होगा जब वो सत्संग से कनेक्ट होंगे, बस यही बात है। इसलिए पानी पीने का समय निकालते हो, खाने का समय निकालते हो, काम के लिए समय निकालते हो, पत्नी पति के लिए समय निकालते हो, बच्चों के लिए समय है, थोड़ा सत्संग, एक घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हर ही कोटि अपराध, निकालो समय। भागवत में सब कुछ है, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। सच्चिदानंद रूपाय, मेरे संग बोलो, बोलो सच्चिदानंद रूपाय, जो हम बोलेंगे उसको दोहराइएगा, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। क्या अर्थ हुआ इसका? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद, ईश्वर के, ये ईश्वर का परिचय है, ये भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक है। भगवान, कोई आपसे पूछे कि भगवान कैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ईश्वर कैसे कैसे हैं, सत चित आनंद, जो सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद, संधि विच्छेद करेंगे तो तीनों अलग हो जाएंगे, और अलग होंगे तो क्या हो जाएगा, सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, विश्वोत्पत्या, विश्वोत्पत्या मतलब विश्व की उत्पत्ति प्लस पालन प्लस संहार बराबर विश्वोत्पत्यादि हेतवे। तापत्रय, तापत्रय मतलब तीन प्रकार के ताप, ताप मीन्स दुख, दैहिक, दैहिक प्लस दैविक प्लस भौतिक बराबर तापत्रय। विनाशाय, जो इन दुखों का नाश कर दे, ऐसे श्री कृष्णाय, श्री मतलब राधा सहित कृष्ण को, वयम मतलब हम सब, नुमह मतलब उन्हें नमस्कार करते हैं। किनको नमस्कार करते हैं? सत्चित आनंद, हम किसको नमस्कार करते हैं? सच्चिदानंद को। अब ये सच्चिदानंद कौन है? सत्य, सत्य क्या है भैया बताओ, सत्य क्या है? अच्छा बताओ, सत्य क्या है? अच्छा चलो, एक प्रश्न वो पूछ रहा हूं, उत्तर देना, ये कहां सत्य की खोज में चली मैया, रो रहा, अच्छा उस तरफ जाओ, चुप कराओ, अच्छा उस तरफ जाओ, अच्छा ये बताओ, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है?
एक पहेली पूछ रहा हूँ, टेंशन लेने का नहीं। एक पहेली मैंने बचपन में सुनी थी अपनी मौसी से। मेरी मौसी बहुत पूछा करती थी मेरे से, और मैं खोज खोज के लाया करता था मौसी को उत्तर देने के लिए। मौसी की एक पहेली मैंने आपसे पूछ ली है, फटाफट उत्तर दो, फिर मैं आपको कथा में प्रवेश कराऊं। प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? उत्तर दो, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? प्रश्न पूछता हूं बेटा, ये बोलागा मेरा भैया, तू बोल भैया। प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है बोल। ये सब नहीं बोलेंगे, टुप ही रहो। हाँ, प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है। उत्तर एक बार मैंने एक सवाल कर दिया, कर लिया तो एक घड़ी तक बोले मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला कि भाई पहेली पूछी कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। बोला मैं तो पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा टेंशन ले मत भाई, ये पहेलियां हैं, इतना डीप मत चला जा। बताओ 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? हाँ, बहुत सिंपल है, पहेलियों को पहेली की तरह लो, एंजॉय करो, आनंद लो, टेंशन लेने का नहीं। तो हंसते हंसते ही सुनना है सब बातें। अब हम चलते हैं मैन, बताइए सत्य क्या है? अब हम रियल प्रश्न कर रहे हैं जो शास्त्रों का है, ये सत्य क्या है? ये भैया बताएंगे सत्य क्या है। हाँ भैया बताओ। हाँ, जो दिखता है, जो नित्य है वो सत्य है। तो नित्य क्या, वही तो पूछ रहे हैं। आप नित्य हो? हाँ बोलो, बैठे बैठे बोलो, क्यों कष्ट करना। जो बदल जाए, जो ना बदले वो सत्य है। ये मैया बताओ, आप सत्य क्या है? बैठे बैठे बताओ, खड़े मत हो। ईश्वर सत्य। हाँ, ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर, भगवान। भगवान ही सत्य है। हम सब कौन है? हम सब कौन है? झूठ। हम परिवर्तनशील हैं इसलिए झूठे हैं। ईश्वर नित्य है, परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सत्य है। इसलिए झूठे संसार से मन हटाओ, सच्चे भगवान में मन लगाओ। सत चित, चित मीन्स प्रकाश, सब में ईश्वर है। ऐसे भगवान को जो सत्य चित आनंद के सागर है, भगवान का नाम है आनंद। संसार में सुख है या दुख है, या तो आपको सुख मिलेगा या तो आपको दुख मिलेगा। यदि सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा, सुख का उल्टा होते ही दुख है, दुख का उल्टा होते ही सुख है। यदि आज आप दुखी हैं तो कल सुखी होने की संभावना पूरी है, और आज यदि आप सुखी हैं तो कल दुखी आएगा, क्योंकि अपोजिट है ना, दिन है तो रात जरूर होगी और रात है तो दिन होगा, स्वाभाविक। इसलिए ईश्वर आनंद के सागर है। अच्छा, आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? सुख चाहिए, सुख चाहिए। मैया सो रही हो मेरी माँ, गुलाबी मैया, सुख चाहिए कि आनंद? आनंद। आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए। पीछे मैया, सुख चाहिए कि आनंद? सुख चाहिए जिसको, उसे दुख भी मिलेगा, क्योंकि सुख है तो दुख आएगा। इसलिए बड़े बड़े साधु संत सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो आनंद चाहते हैं। हे प्रभु, जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। अच्छा, भगवान देते क्या है? आनंद। अच्छा चलो, आप में से कितने लोग आनंदित हैं और कितने लोग सुखी हैं? अच्छा, सुखी मत होना, सुखी होगे तो दुखी होना पड़ेगा, वो बिना बुलाए आएगा, इसलिए हमेशा किसमें रहो। अच्छा, आनंद कब तक नहीं आएगा उसका भी एक रीजन बताता हूं। आनंद क्यों नहीं है हमारे जीवन में, उसका एक कारण बताऊं, वो सुनिएगा। कारण ये है, एक चेला आया गुरुजी से मिलने। गुरुजी, गुरुजी, वो हमें भगवान से मिलाओगे क्या? आप भगवान का दर्शन करा दो। गुरुजी बोले कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं तुझे भगवान से मिलाऊंगा। अब चेला बड़ा उत्सुक हुआ,
हाँ सुबह 10 बजे आया, गुरुजी राम राम मैं आ गया। गुरुजी बोले आ गए? हाँ हाँ गुरुजी, वो आपने कल बोला था भगवान के दर्शन कराने का, कराओ। गुरुजी बोले अच्छा चल तुझे दर्शन कराने चलता हूँ, चल। गुरुजी ने एक झोला तैयार किया, झोला उसमें थोड़ा लकड़ी कंडा और पत्थर भर दिए और चेला को लेकर गुरुजी चले। अब सिर पे चेला झोला रखा और चलता 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 चलो, गर्मियों का टाइम धूप में एक घंटे चला पसीने से डूब गया। गुरुजी अभी और कितना चलना है? गुरुजी बोले वो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ के उस पार चलना है, चोटी पार करनी है, शिखर पार करना है पहाड़ का। अब तो वो घबराया, गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा, ये तुम्हारे भगवान वहां रहते हैं? हाँ वही है। चेला बोला गुरुजी ये बताओ झोले में क्या है? अच्छा खाली हाथ चलना फिर भी सही है, पर आप 10 किलो का वजन लेके चले और लंबा चलना हो तो चलना बड़ा कठिन हो जाएगा ना। हाँ या ना, चक्के वाला झोला हो तो भी ठीक है, और सिर पे ही रखना पड़े तो बड़ा कठिन काम है, और चोटी और चढ़ना है। और गुरुजी ने जो झोले में वजन भरा था वो लगभग 10 किलो से ऊपर था। गुरुजी से बोला गुरुजी इसमें है क्या? गुरुजी बोले बेटा इसमें कुछ विशेष नहीं है, पत्थर भरे हैं मैंने, लकड़ी भरी है और गाय का सूखा हुआ गोबर। चेला बोला गुरुजी ये तीनों चीजें तो जंगल में खूब मिल जाएंगी, जब आप बोलोगे पत्थर ला दूंगा, जब आप बोलेंगे लकड़ी ला दूंगा क्योंकि हम जंगल ही में चल रहे हैं, जब आप बोलेंगे सूखा गोबर ला दूंगा। ओए काहे ढोबा रहे हो आप हमसे, काहे मारे डाल रहे हो? तो गुरुजी बोले तू ही कर ले अपने हिसाब से, ले चल, तू ले चल या तू फेंक दे। बस उसने सारा झोला खारी किया, फेंक दिया लकड़ी कंडा सब, और जैसे ही फेंका अंगड़ाई लेता बोला गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी आनंद आ गया, और जैसे ही गुरुजी से बोला आनंद आ गया, गुरुजी बोले बेटा मिल गए भगवान, चल लौट चलते हैं। चेला बोला गुरुजी कैसा बुद्धू बनाया आपने हमें? गुरुजी बोले हमने कहां बुद्धू बनाया? अरे बोले गुरुजी आपने तो बुद्धू बना दिया। गुरुजी बोले अच्छा ये बता, जब तक तेरे सिर में बोझा था तब तक तुझे आनंद मिला? ये घटना उस बच्चे की नहीं है, ये घटना उस साधु की नहीं है, ये घटना हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में घटने वाली घटनाएं। आप लोग आनंदित नहीं हैं, क्यों? क्योंकि आपने बोझा उठा रखा है। क्या उठा रखा है? क्या उठा रखा है? परिवार का बोझा, जिम्मेदारियों का बोझा, बिजनेस का, व्यापार का सारा लोड आप कहां रखते हैं? खोपड़ी में। जब तक उस बच्चे के सिर में बोझा था तब तक उसे आनंद नहीं मिला, और जैसे ही उसने फेंका क्या मिला? आनंद। तो आप में से कितने लोग आनंदित होना चाहते हैं? चाहते हो तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए कि आप अपने जीवन की जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितना टेंशन है, जितना बोझा है, वो ले जाके प्रभु के चरणों में रख दीजिए। प्रभु आप जानो और आपका काम जाने, हमसे नहीं संभल रहा, आप संभालो। तेरी चौखट में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप एक बार कह दो उनसे, भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरी शरण में है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका योगक्षेम, मतलब मैं उसका पालन करता हूं, मैं उसका भरण पोषण करता हूं। किसका? जो मेरी शरण में आ जाता है। अच्छा आप बताइए आप में से कितने लोग हैं जो भगवान की शरण में गए हैं? गए हैं क्या लेकर गए हैं? शरण में जाने का मतलब क्या है? क्या है शरण में जाने का मतलब? अपने आप को समर्पित कर दिया। कितने बेटे हैं आपके? 3। कितने बेटे हैं आपके? 2। देखो ये झूठी मैया बोल रही है कि हमने समर्पण कर दिया और बता भी रही है हमारे 3 बेटे हैं, 3 बच्चों की मां बनी बैठी है और कह रही है समर्पण कर दिया। तो का समर्पण कर दिया? ये हड्डी मान समर्पण किया है। बुद्धू बना रही हो मैया?
इसी चक्कर में परेशान है आप लोग। आपको क्या लगता है भगवान को क्या चाहिए? समर्पण। अच्छा, समर्पण कहते किसे? चलो समर्पण की परिभाषा बताओ, क्या है समर्पण, किसे कहते हैं? अपने आप, मैं हे प्रभु मैं आपकी हूँ, गई भगवान के मंदिर में, मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, हे भगवान सब आपका है, और जैसे ही बाहर आए, महाराज जी ये प्लॉट हमारा है, हाँ ये हमारी घरवाली है, हाँ ये सब हमारा है, लो। या तो आप कंफ्यूज हो या तो भगवान को कंफ्यूज कर रहे हो। समर्पण की परिभाषा बताइए। समर, आप में से कितने लोग जानते हैं, लिख लो मेरी एक बात, जब तक जीव का समर्पण नहीं होगा भगवान के चरणों में, तब तक आपकी की गई सारी पूजा, सारा किया गया कुछ भी कार्य सब व्यर्थ है, क्योंकि बिना समर्पण के जो भी करोगे उसका क्या अर्थ है? और समर्पण करने के बाद एक बार कोई राम कह दे, एक बार कोई कृष्ण कह दे, एक कृष्ण कहने के बाद करोड़ों कृष्ण कहने का पुण्य है समर्पण के बाद, और समर्पण के पहले आप सब कुछ करो। ये समर्पण के पहले और बाद का अंतर समझो क्या है। एक छोटी सी लड़की है, वो माँ को देखती है, मांग भरते ना, तो वो खुद जाती है वहां पर जहां माँ खड़ी होती, वहां जाती है, सिंदूर उठाती है और वो भी अपनी मांग भर लेती है। माँ 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 मैंने देखो मांग भर ली, माँ देखो तुम्हारी तरह चूड़ी, छोटी छोटी गुड़िया होती है ना बच्चियां, वो माँ को देखती है ना तो वो मांग भर लेती है, माँ की देखा देखी सिंदूर लगा लेंगी वो भी, यहाँ वो चूड़ी पहन लेंगी, हाँ या ना? आप बताओ कि छोटी सी गुड़िया, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की बच्ची, यदि माँ की देखा देखी करके वो मांग भर ले, सिंदूर लगा ले, चूड़ी पहन ले, बिछिया पहन ले, पायल सारा श्रृंगार कर ले, तो क्या उसे सुहागन माना जाएगा? बोलो, क्या उसके श्रृंगार की कोई कीमत है? उसी तरह जैसे एक लड़की जब तक उसका पति मांग ना भरे, जब तक उसका वेद विधान से मंडप के नीचे विवाह ना हो, तब तक उसका श्रृंगार कोई मान्य, श्रृंगार की कोई कीमत नहीं होगी, पर पति के द्वारा मांग भर दी गई, विधान से विवाह कर दिया गया, उसके बाद जो वो श्रृंगार करेगी, उस श्रृंगार की समाज सराहना करेगी। वाह, नारी का श्रृंगार विवाह के बाद शोभनीय है, विवाह के पहले वो कितना भी मांग भर के घूमे और कितना भी वो 16 श्रृंगार कर ले पतिव्रता नारी की तरह, उसकी शोभा नहीं होगी, उसका सारा श्रृंगार व्यर्थ है या नहीं? बोलो हाँ। उस लड़की का सारा श्रृंगार व्यर्थ है शादी के बिना, उसी तरह समर्पण के बिना हमारी हर पूजा व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है समर्पण के बिना। अब समस्या ये है कि महाराज जी समर्पण कैसे हो, समर्पण क्या चीज है समर्पण? अब आप कहते तो हे प्रभु मैं आपकी मैं आपका, कहने से नहीं होगा मेरी माँ, कहने से क्या होता है? कहने से प्यार होता है क्या? आज तो कोई भी लड़का आपको कह देगा आई लव यू, कोई भी लड़की कह देगी आपको आई लव यू, तो कह देने से हो गया? बाजार चलते आपके पास बढ़िया गाड़ी है, बंगला है, तो आपको आई लव यू कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, क्या बड़ी बात है? तो कह देने से प्यार हो जाएगा क्या? ऐसे आपने, अच्छा चलो मैं कहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या मेरे कहने से मैं प्रधानमंत्री हो गया? आप कहो कि जी मैं राष्ट्रपति हूं, अच्छा कह दो, खूब कहो, कह दो, क्या आपके कहने से आप राष्ट्रपति हो गए? जब आपके कहने से आप प्रधानमंत्री नहीं हुए, जब आप कहने से राष्ट्रपति नहीं हुए, तो आपने कह दिया कि हे प्रभु सब कुछ आपका है, तो कहने से सब हो गया? पहले मूल चीज समझो, समर्पण को समझना पड़ेगा। कितने लोग समर्पण को समझना चाहेंगे? कितने लोगों की दिलचस्पी है समर्पण समझने में? और आज के बाद ये बिल्कुल मत गाना गाइएगा हे प्रभु मैं आपकी हूं, ठीक है, किस तरह बोलना है, इसको बोलने का बोलना यही है, पर किस तरीके से बोलना है वो समझना है आज। समर्पण कैसे होता है वो समझो।
सबसे पहले अपने आप को दो भागों में डिवाइड करो। सबसे पहले अपने आप को कितने भागों में डिवाइड करो? दो भागों में, जो कि आप ऑलरेडी हैं। कैसे? देखो, दो भागों में आप किस तरह डिवाइड हैं? इस तरह से डिवाइड हैं कि आप कोई काम वाली बाई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम दो तरह से डिवाइड कैसे हैं, फिर हम डिवाइड कैसे होंगे और किस तरह डिवाइड होने के बाद भाग वन का क्या करना है, भाग टू का क्या करना है, समझिएगा। काम वाली बाई, काम वाली बाई कितने भागों में डिवाइड होती है? कौन कौन सा भाग है? एक भाग है, एक पक्ष है कि वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, उसका भी अपना बच्चा होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को घर में छोड़ती है और आपके बच्चे के पास आकर आपके बच्चे की तेल मालिश करती है। हाँ या ना? समझिएगा बात की गहराई को और विषय की गंभीरता को। एक काम वाली बाई जो कि उसका खुद का बच्चा भी लगभग 1.5-2 साल का होगा, लेकिन फिर भी वो मजबूरन चूंकि पैसे की कमी है, तंगी है, तो वो आपके घर काम करती है और आपके घर में भी उसे काम क्या मिला कि आपके घर में बच्चा हुआ और आपने बोला कि तू इसकी तेल मालिश कर। वो आपके बच्चे को पांव में लिटाती है और माँ की तरह आपके बच्चे के पांव में तेल लगाती है, मालिश करती है, नहलाती है, धुलाती, कपड़े पहनाती है। पर बताओ, वो आपके बच्चे के साथ सारा व्यवहार करती है, पर प्रेम उसका किसके साथ है? उत्तर दो। क्या जो प्रेम उसका खुद के बच्चे से है, क्या वो प्रेम आपके बच्चे से हो सकता है? तो वो प्रेम तो करती है अपने बच्चे से, पर व्यवहार में सेवा कर रही है आपके बच्चे की। दो भाग हो गए कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आए तो हाँ मैया बोलो। हाँ ओ पीली मैया, कर लो तुम पंचायत। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? बताओ, काम वाली बाई के कितने भाग, कौन कौन से? पीछे वाले आवाज आ रही है ना हमारी? आ रही है? एक भाग ये है कि वो प्रेम करती है अपने बच्चे से, लेकिन वो व्यवहार में तेल मालिश कर रही है आपके बच्चे की। उसी तरह आपको भी अपने दो भाग करने हैं कि पति के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, और प्रेम किसके साथ करना है? जैसे उसका प्रेम अपने बेटे के साथ है पर व्यवहार में वो आपके बेटे की मालिश करती है, उसी तरह आप प्रेम करिए भगवान से पर व्यवहार करिए संसार से। और प्रेम इस तरह का हो कि उस प्रेम में ये हो कि हे प्रभु, अंदर ये बात अंदर की है, बाहर की नहीं, अंदर से हमेशा ये भाव हो कि प्रभु जो कुछ है सब आपका, पर बाहर से व्यवहार में ये कहना पड़ेगा कि ये मेरी पत्नी है, व्यवहार में ये कहना पड़ता है कि ये मेरे बच्चे हैं, व्यवहार में ये कहो कि ये घर है, ठीक है, लेकिन अंदर से जब कहो तो कान पकड़ के, हे प्रभु ये व्यवहार में कह रहा हूं कि बेटा हमारा है, ये बेटा आपका है, पर व्यवहार में भैया ये दास का पुत्र है, अपना ना मानो। वही बात बिगड़ती है जहां हम अपना मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो आज से आपके कितने भाग? दो। एक भाग, एक व्यवहार और एक प्रेम। एक भाग का नाम है व्यवहार और दूसरे भाग का नाम है प्रेम। तो प्रेम वाला भाग किसके साथ होगा? भगवान के साथ। और व्यवहार वाला भाग परिवार के साथ, बिजनेस के साथ, व्यापार के साथ, ठीक है? ईश्वर ने हमारे शरीर को भी दो भागों में डिवाइड किया। आपको पता है हमारे ब्रेन, मस्तिष्क दो होते हैं, बीच से बिल्कुल दो भाग हैं हम। हाँ या ना? ये दायां हाथ, ये बायां हाथ, ये लेफ्ट, ये राइट, पूरा शरीर हमारा। इसलिए आपने देखा होगा पैरालिसिस जिसको होता है तो एक अंग पूरा एक अंग में, क्योंकि शरीर दो भागों में। उसी तरह हमें हर चीज को दो भागों में डिवाइड करना है।
एक चीज प्रभु के लिए, एक चीज संसार के लिए। मैं बाहर से आपके लिए कुछ और हूं, पर भीतर से भगवान के लिए कुछ और हूं। भगवान के लिए आप भगवान के कैसे बनो, जैसे मीरा। वाह, मैं तो मीरा को अपना गुरु मानता हूं। कहीं मीरा मुझे मिलेगी तो मीरा की चरण रज उठाकर माथे पर रखूंगा, मीरा के चरण रज की वंदना करूंगा। और मीरा कितने सारे पद हैं, उन सभी पदों में जो मैं हमेशा आपको कहता हूं, मेरा एक फेवरेट पद, और उस पद की केवल एक लाइन, उस एक लाइन ने मेरे जीवन को बदल दिया, और वो लाइन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब आप नहीं विश्वास करेंगे, नहीं मानेंगे कि इस लाइन का हमारे और आपके जीवन में कितना बड़ा। देखो एक बात मैं आपको समझा दूं, इंजीनियर की भाषा इंजीनियर जानता है, डॉक्टर की भाषा डॉक्टर जानता है, एडवोकेट की भाषा एडवोकेट जानता है, व्यापारी की भाषा व्यापारी जानता है, तो एक मीरा जैसे भक्त की भाषा कोई भक्त ही समझ सकता है। और मीरा की भाषा समझने के लिए भी ना क्या बनना पड़ेगा आपको, भक्त बनना पड़ेगा, तब आपको ये लाइन समझ में, इतनी लाइन समझने के लिए आपको अभी लंबा स्ट्रगल करना पड़ सकता है कि मेरे तो गिरधर, ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसका अर्थ कौन करेगा? ये भैया बताओ इसका अर्थ, इस लाइन का अर्थ क्या है, ये भैया आप बताओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसका अर्थ बताओ। नहीं बैठे बैठे ठीक है, अर्थ बताओ इसका आप बताओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बैठे बैठे बोलो मेरी मां, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसका अर्थ क्या है? कौन करेगा अर्थ, हाथ उठा के बताओ, कितने लोगों को इसका अर्थ पता है? मैया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसका अर्थ बताओ। अब हम बताएं, अभी आप लोग इसके अर्थ को समझे नहीं। जिस दिन आप इस अर्थ को समझ लेंगे, उस दिन आपका मुंह नहीं बोलेगा, आपकी आंखें बोलेंगी। उस दिन आपकी आंखों के वो बहते आंसू बताएंगे जब आप इसका अर्थ समझ लेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, फिर आप बोल ना पाएंगे, बोलने की सामर्थ्य नहीं है, इसका अर्थ कोई कर नहीं सकता शब्दों में। अब क्या शब्द है, क्या कहोगे, क्या शब्दों, देखो प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है, गहराई की बात है। अब आप कितना समझेंगे मेरी भाषा मुझे नहीं पता, प्रेम शब्दों का भूखा, हाँ, और शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। यदि शब्दों में इतनी ताकत है तो करके दिखाओ। बेटा अपनी माँ से पूछता है कि तुम मेरे से प्यार करती हो, माँ बोलती हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, तो बेटा बोलेगा अच्छा करती हो तो इसका प्रमाण दो। तो बताओ क्या कोई माँ प्रमाण दे सकती है अपने बेटे को? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम को परिभाषित करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं, यदि है तो बोल दो मुझे, करो प्रमाणित इस बात को। बेटा मैं आपका बेटा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप मेरे से प्यार करती हो, तो चलो बताओ प्यार करती हो उसका सबूत दो। कोई मां अपने बच्चे को क्या ये सबूत दे सकती है? बस सबूत नहीं दिया जा सकता मेरी मां। एक आदमी पानी में डूब रहा था, बोला मैं डूब गया,
बचा लो मैं डूब गया, बचा लो मैं डूब गया। अभी वो डूबा नहीं है, अभी वो डूबा नहीं है, डूब गया होता वो कह रहा मैं डूब गया। अरे भैया तू डूब गया होता तो फिर चिल्लाता कैसे? तू बोल रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है। जब तू कुछ बोल ना पाए समझ लेना कि तू डूब गया। मेरे तो गिरधर गोपाल जब तक आप इसका अर्थ शब्दों में कर रहे हैं मतलब डूबे नहीं है, जिस दिन इसके अर्थ में डूब जाएंगे तो आप बोल कुछ ना पाएंगे। आपका चुप रहना ही इसका अर्थ है, आपका चुप रहना और आपकी आंखों के बहते हुए आंसू इस लाइन का अर्थ है। कोई कागज कलम से थोड़ी लिखा है मीरा ने अपने पदों को। उस प्रेम का अनुभव करके गाया है अपने गिरधर गोपाल के लिए उनकी सखियों ने। जब सुना मीरा का यह भाव तो मीरा के इस भाव को कागज कलम लेकर के उकेर दिया। मीरा लिखती है तो अपने गिरधर के लिए, जब लिखती है तो उसके आंखों के आंसू सब कुछ कहते जाते हैं। इसलिए प्रेम गली अति सांकरी, ये प्रेम की राह बड़ी कठिन है मेरी माँ, इसमें यदि चली गई तो निकल ना पाओगी। कभी अकेले में बैठ के रोना अपने गोविंद के लिए। आपकी आंखों के बहते आंसू मीरा का भाव, सूरदास जी का भाव, रैदास जी का भाव, भक्तों का भाव। एक भक्त महाराष्ट्र में हुए गोरा कुम्हार, जाति से कुम्हार थे, घड़े बनाने का बाप दादों का काम था। कुम्हार गोरा कुम्हार घड़ा बनाया करते, बाजार में बेचा करते, जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा किया करते और प्यार से नाम जप किया करते, विट्ठल 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 विट्ठल। जब गोरा कुम्हार का विवाह हुआ तो उनकी सुंदर सी पत्नी आई, दोनों प्रेम से गृहस्थ में आए। दोनों पति पत्नी जब साथ में रहे, उनकी पत्नी गर्भवती हुई, समय के साथ उनको एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तो गोरा कुम्हार विट्ठल नाथ जी से बहुत प्यार करता था तो उन्हें लगा कि मेरे घर में तो विट्ठल ही आए हैं, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही रख दिया विट्ठल। और विट्ठल विट्ठल वो बुलाए, बेटा विट्ठल, बेटा विट्ठल, बेटा विट्ठल। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लग गया, पलटने लगा, फिर घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे, रौंदना मींस माटी पर ना, माटी को पांव से कुचलना पड़ता है चिकनी करने के लिए, रौंदना बोलते हैं उसको। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, वही रौंदना है। कुम्हार गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे कि तभी पत्नी आई। अजी सुनते हो, मैं पानी भरने जा रही हूँ कुएं से पानी लेने जा रही हूँ, तुम जरा बच्चे को देखना विट्ठल को, अभी सो रहा है, जाग जाए तो जरा संभाल लेना, मैं आई। हाँ हाँ तुम जाओ तुम जाओ। अब गोरा कुम्हार जब माटी रौंदते ना तो वो आंखें बंद कर लेते और अपने भगवान का ध्यान, विट्ठल विट्ठल। ये प्रेम है, प्रेम है। जो भगवान को देखना चाहता है ना, कई बार साधु लोग संत लोग हमेशा आपने देखा होगा वो आंखें बंद किए रहते हैं। क्यों? वो बाहर देखना ही नहीं चाहते कुछ, सब तो देख लिया, क्या देखें बताओ। आंखें खोल कर देखने के लिए है तो बहुत कुछ, पर बताओ आप लोगों ने क्या नहीं देखा, आप लोगों के लिए अभी क्या शेष रहा देखना बताओ, क्या है? इसलिए सब देख चुके हैं, सब अपना देख चुके, पराया देख चुके, खेत खलिहान नदियां समुद्र पहाड़ सब तो देखा। अब भक्त जो है वो किसे देखना चाहता है,
भगवान को, तो वो आंखें बंद हैं और भाव कि वो ऐसा इमेजिन करते हैं गोरा कुम्हार जी कि मैं विट्ठलनाथ जी के मंदिर में हूँ और विट्ठलनाथ जी को देख रहा हूँ। वो माटी रौंद रहे हैं, माटी शरीर कहा, अभी मैंने शरीर के कितने भाग किए, एक भाग तो माटी रौंद रहा है शरीर, लेकिन मन कहाँ है उनका, विट्ठलनाथ जी के मंदिर में, विट्ठलनाथ जी के सामने। अब देखिए गोरा कुम्हार के जीवन में एक जो सबसे अलग घटना घटी वो क्या थी। गोरा कुम्हार, आपसे भी मैं कहूंगा कि आंखों को थोड़ा बंद रखा करो, कथा भी सुना करो ना तो ध्यान में डूब कर सुना करो, बाहर की दुनिया को थोड़ा भूलने की कोशिश करो, थोड़ा भगवान के चिंतन में डूबने का प्रयास करो। गोरा कुम्हार आंखें बंद करते हैं और माटी रौंद रहे हैं, पर इमेजन ऐसा भाव वो मन से विट्ठलनाथ जी के मंदिर और नाम जब विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंग विट्ठला विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, जा रहे हैं नाम जप करते हुए, विट्ठल विट्ठल बोलते हुए जा रहे हैं, माटी रौंद रहे हैं। अभी क्या हुआ कि वो माटी रौंद ही रहे थे कि उनका जो बेटा है जिसका नाम विट्ठल है वो जाग गया, और जब जागा तो वो अपने पिता के पास घुटनों के बल चल के आया, बच्चा तो बच्चा है, जिसको देखता उसकी तरफ भागता पिता, तो वो आया और वहां पर गड्ढा था, गड्ढा क्योंकि माटी रौंदते ना वो गड्ढा होता, गड्ढा था, उस गड्ढे में वो बच्चा आया, वो रो रहा था चिल्ला रहा, लेकिन वो तो ध्यान में डूबे गोरा कुम्हार, इतने ध्यान में डूब गए कि पता ही नहीं चला कि बच्चा रो रहा है, और बच्चा उस गड्ढे में गिर गया, गिर गया, और ये रौंदते रौंदते आए और बच्चे के सिर में पांव रख दिया, चूंकि आंखें बंद थी ध्यान भगवान का था, जब बच्चे के सिर में पांव रखा तो बच्चे का सिर मिट्टी के अंदर धस गया, और जब धसा तो उसका नाक मुंह सब मिट्टी में, चोक बंद, श्वास लेना रुक गई, बच्चे का दम घुट गया, फिर घूम घूम करके आए और दूसरा पांव फिर उस बच्चे के ऊपर रखा, कुल मिलाकर वो बच्चा मिट्टी के अंदर समा गया, दम घुट गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। और अभी गोरा कुम्हार ध्यान में चली रहे, विट्ठल 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 विट्ठल, वो ध्यान चल रहा है, नाम जब चल रहा हो, बच्चा रौंद दिया माटी के अंदर, तब तक पत्नी पानी भर के आई कुएं से, और जब पानी भर कर आई, पानी रखा, आवाज लगाई, विट्ठल बेटा कहां हो तुम, उसे लगा कि कहीं उठ गया होगा तो होगा, जाकर बिस्तर में देखा तो था नहीं, मां को लगा उठ गया होगा, यहां वहां पूरे घर में ढूंढा पर बच्चा कहीं नहीं, कोई आवाज नहीं। अब वो मां तो मां घबरा गई, कहां चला गया, आवाज लगाई जोर से, विट्ठल, अब पत्नी चिल्ला रही है, पर अभी गोरा कुम्हार की समाधि टूटी नहीं, वो गोरा कुम्हार के पास गई, अजी सुनते हो, वो जब पास में गई तो बच्चे का कुछ कपड़ा दिखाई पड़ गया, अब कपड़ा दिखाई पड़ा तो उसने ध्यान से देखा तो हाथ भी दिखाई पड़ गए, अब तो वो कूद गई गड्ढे में, निकाला, और जब निकाला तो बच्चा तो मरा हुआ था। अब जैसे ही उसने अपने मृत बच्चे को देखा, अभी तक गोरा कुम्हार जागे नहीं, इसने जोर का धक्का दिया, आप कसाई हो क्या, पिता हो या कसाई हो, क्या किया आपने, देखो आपने बच्चे को रौंद दिया। अब गोरा कुम्हार की समाधि टूटी, देखा बोली क्या हुआ इसे, आपने ही तो कुचल दिया पांव से, आपने ही मार दिया अपने पुत्र को, क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने आपका, कहां थे आप, अरे मैं तो नाम जप में पड़ गया, नाम किसका, विट्ठलनाथ जी का, अरे तुम्हारे विट्ठलनाथ जी, तुम नाम जप रहे थे
तो तुम्हारे भगवान ने इसकी रक्षा तक नहीं की? जिसका नाम जप रहे थे क्या वो अंधे थे? क्या उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की उनकी बच्चे की? इसकी अब तो भगवान पर उंगलियां माने उठाई। अब नामदेव जी हो गोरा कुम्हार पत्नी के दुख को समझ गए पर बोले कुछ नहीं। गोरा कुम्हार ने देखा ये तो बड़ा गलत हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे विठलनाथ जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बच्चा चला गया, ये मृत्यु लोक है, आपका दिया था आपने ले लिया, कोई बात नहीं। पर विधाता, इस बच्चे की यदि इतनी ही आयु थी तो आप इसे ले जाते, पर कलंक मेरे माथे ये लग गया कि मैंने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि मैंने रौंदा। हे विठलनाथ जी, मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं पाऊंगा, लोग मुझे पुत्र हत्यारा कहेंगे। हे विठलनाथ जी, मुझे पुत्र का मोह नहीं है, मैं समाज के इस कलंक से डरता हूं कि मुझे ये कलंक लगेगा कि मैंने अपने पुत्र की हत्या कर दी। हे विठलनाथ जी, मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। यदि आप मुझे अपना मानते हैं, यदि मैंने मन से वाणी से कर्म से केवल आपको भजा है, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता, तो हे विठलनाथ जी, मेरे इस पुत्र को जीवन दान देकर मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। पत्नी भी ताने मार रही है, तुम्हारे भगवान कहां थे, क्यों नहीं रक्षा की मेरे पुत्र की? क्या क्या ना कहा, लोग भगवान को भी ताने तो मारते ही हैं, भगवान पर भी तो उंगलियां खड़ी करते ही हैं। संसार के प्राणियों को जरा कुछ बिगड़ जाए तो पहली उंगली भगवान पर ही तो खड़ी होती। गोरा कुम्हार बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, उन्होंने कुछ उत्तर ना देकर केवल भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता, यदि ये पुत्र की आयु पूरी हो गई है तो हमें भी अपने पास बुला लो, क्योंकि इस कलंक को लेकर जीत तो नहीं पाएंगे। अभी गोरा कुम्हार बस विठल, देखिए बेटा मर गया, पत्नी विचलित हो गई, उसने भगवान को बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि संसार का धर्म ही है, हर व्यक्ति ऐसी बोलता है कि अरे भगवान की पूजा इतनी तो करी, पर क्या हुआ, क्या दिया भगवान ने? पत्नी तो डोल गई पर गोरा कुम्हार नहीं डोले। गोरा कुम्हार नहीं, हे विठलनाथ जी, आप पुत्र दो या मत दो, हम तो आपके हैं और आपके सिवा किसी को नहीं जानते, कोई चाह भी तो नहीं है ना आपके सिवा, बस ये जो कलंक लग गया है कि मेरे पांव के तले रौंदा गया बच्चा, इस कलंक से बचा लो। और ये कहकर जब गोरा कुम्हार रो पड़ा, हे विठलनाथ जी, अपने दास को अपने सेवक को इस कलंक से बचा लो। और जब भगवान की शरण में भक्त जाता है ना, देखिए शरणागति क्या है, हम आपको समझा रहे थे शरणागति। आप लोग सुख में तो बढ़िया भजन करते हैं, सब बढ़िया है ना तो घूम नाम जप करेंगे, और जरा कुछ बिगड़ जाए तो तुरंत भगवान को गालियां देना स्टार्ट, अरे की तो थी इतनी पूजा, क्या हुआ, देखो हमारा पति चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारी पत्नी चली गई, हमारा फला चला गया, तो क्या तुमने भक्ति इसलिए की थी कि तुम्हारा पति अमर हो जाए, तुम्हारी पत्नी अमर हो जाए, तुम्हारा बच्चा अमर हो जाए? अरे मेरी माँ, ये तो मृत्यु लोक है ना, इस संसार में तो हम आए हैं तो हमें भी तो जाना होगा, कौन नहीं गया? हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमारा परिवार कभी ना मरे, हम तो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति करना ही धर्म है और उन्हीं को पाने संसार में आए हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं है।
अब संसार में दूसरे कार्य आ गए आपकी नजर में, वो अलग विषय है, पर मानव जीवन का उद्देश्य है केवल ईश्वर की प्राप्ति। और एक बात बताओ मुझे, सब कुछ पाकर आपने ईश्वर को नहीं पाया, तो सब कुछ पाकर चलो, ये माला है, समझ में आई ना? क्या है ये माला? जब माला में हम यहां से चलते हैं, एक मन का, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ऐसी चलती है ना माला ऐसे। तो ये बताओ, हम यहां तक पहुंच गए, हम यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, और यहां तक ना पहुंचे, तो क्या यह माला पूरी मानी जाएगी? इस माला को जब हमने स्टार्ट किया यहां से, तो पहुंचना कहां है? यहां सुमेरु तक। और ये सुमेरु कौन है? माला में जो ये सुमेरु होता है, ये भगवान श्रीमन नारायण कहलाए जाते हैं, ये भगवान होते हैं। यहां तक पहुंचना है। अर्थ क्या हुआ कि हमने जीवन में पत्नी पाई, पति पाया, पुत्र पाया, पैसा पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, धन पाया, व्यापार पाया, बिजनेस पाई, समाज में सम्मान पाया, सब कुछ पाया, सब पाते 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 सब कुछ पाया, लेकिन यहां तक ना पहुंचे, तो सब कुछ पाना, सब कुछ पाना व्यर्थ चला गया कि नहीं? माला जपना तब सार्थक होगा जब सुमेरु तक पहुंचा जाए। जीवन की यात्रा तब सफल होगी जब ईश्वर तक पहुंचे जाए, पहुंचा जाए। अब आप यात्रा में चले तो, पर पहुंचे कहीं नहीं, तो जो चला हो और पहुंचे ना, वो है कोल्हू का बैल। वो कौन है? कोल्हू का बैल चलता तो सवेरे से शाम तक है, पर पहुंचता कहीं नहीं है, जहां से चला था वहीं खड़ा, गोल गोल घूमता है कोल्हू का बैल। तो क्या आप कोल्हू का बैल बनना चाहते हैं? मेरी मां, याद रखिएगा, ये मानव का बेटा मिला अच्छा है, बेटी मिली अच्छी है, पत्नी मिली अच्छी है, पति मिला अच्छा, परिवार मिला अच्छा है, पैसा मिला अच्छा है, रखो साहब, पर इसमें लिप्त ना हो जाओ, क्योंकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। गंगोत्री से गंगा जब निकलती हैं, तब तक चलती हैं जब तक सागर नहीं मिल जाता। तो जीवन की यात्रा तब तक है जब तक प्रभु प्राप्त ना हो जाए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। इसलिए हमारे देश में एक परंपरा रही है कि शादी विवाह कर लो, पति पत्नी का सुख ले लो, बच्चों को जिम्मेदारियां दे दो, फिर सबसे मन हटाओ, एक ईश्वर की आराधना, फिर उस एक परमात्मा के सिवा किसी को ना जानो। गोरा कुम्हार ने जब भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आप के सिवा किसी को नहीं चाहता, नहीं जानता, जब प्रार्थना की गोरा कुम्हार ने, और तब भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की, मरा हुआ बच्चा चेतना आ गई, उठ करके बैठ गया, घुटनों के बल चलने लगा, माँ माँ कह करके, माँ माँ कहकर अपनी माँ, मैया बेहोश पड़ी, माँ होश आया, बच्चा उठ के बैठा, गदगद हो गई, सारा समाज जुड़ गया था, सारे लोग रो रहे थे, लेकिन सबकी आंखों के सामने भगवान की कृपा से जब उनका मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ, तो गोरा कुम्हार की आंखों से आंसू रुके नहीं, विधाता क्षमा कर देना कि मुझे पुत्र के लिए आपको परेशान करना पड़ा, आपको काम छोड़ के आपको यहाँ आकर मेरा ये कार्य करना पड़ा, हे प्रभु, मैं अभागा हूं कि जो मेरा कार्य करने आप आए। देखिए प्रेम क्या है? प्रेम तो ये है कि मैं आपका सारा काम करूं, पर आपसे अपना एक काम ना कराऊं, ये उच्च कोटि का प्रेम। भक्त भगवान से अपनों की काम नहीं, भक्त रोता है, भगवान आपने बताइए मेरे कारण आप परेशान हुए, मेरे कारण आप, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण कोई परेशानी उठाएं, वैसे भगवान को क्या परेशानी, लेकिन भक्त का भाव तो है ही ना, भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के भूखे। गोरा कुम्हार का बेटा जीवित हो गया, और गोरा कुम्हार को दर्शन देने के लिए
साक्षात भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हुए। गोरा कुम्हार भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन किए तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो। गोरा कुम्हार ने कहा नहीं, मांगेंगे नहीं, बस आपके चरणों में मेरा प्यार बना रहे, प्रेम बना रहे। और भगवान के मिलने के बाद भी वो चाहते तो धन्ना सेठ हो जाते, नहीं अमीरी तो ली नहीं, वो कुम्हारगिरी का काम करते ही रहे, घड़ा बनाते रहे, बाजार में ज्यों का त्यों बेचते रहे। और जब गोरा कुम्हार बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए तो घड़ा तो स्वाभाविक बनेगा नहीं जितना ही बढ़िया, तो फिर इनके ना रोटी का जुगाड़ नहीं था। सोचिए, भगवान का दर्शन करने वाले भक्त खाने का जुगाड़ नहीं, क्यों? वो सामान्य इसी तरह जीवन जीते हैं, क्योंकि ज्यादा धन वैभव में डर होता है अभिमान का। धन जब आता है तो अपने साथ बहुत कुछ साथ में लेकर आता है, तो वो जो दोष लेकर आता है उस दोष से भक्त बचना चाहता है। इसलिए भक्तों का जितना इतिहास पढ़ेंगे वो सब सामा, सुदामा कैसे थे, जब सुदामा को भगवान ने धन दिया आखिरी में, तो सुदामा अपने घर की देहरी चढ़े नहीं। सुदामा बोले मैं नहीं जाऊंगा सोने के महलों में। भगवान बोले क्यों? बोले जैसे ही जाऊंगा मैं आपको भूल जाऊंगा। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, सुदामा तुमने सारी जिंदगी गरीबी उठाई है, रोटी को तरसे हो, अब मैंने सोने के महल बनाकर दिए, जाओ तुम सुख भोगो, मेरी इच्छा है प्रभु मैं आपको भूल जाऊंगा। भगवान बोले ना, मैं तुम्हें धन दिया हूं तो अपनी कृपा देता हूं कि तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं। सुदामा ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा, आप भी कभी ये मत कहो कि ये मेरा, यही है समर्पण। केवल कहना नहीं है, कहना नहीं, देखो कहने से तो आप लोगों से लोग पूछते कैसे हो आप, मजे में है, जबकि होते मजे में नहीं है पर कह देते, तो ये कहना नहीं है। भगवान से कहना नहीं है कि प्रभु सब आपका है, मानना है कि प्रभु सब आपका है। एक होता है कहना, एक होता है मानना। तो आप कहने वाले बनोगे कि मानने वाले, क्या बनोगे? कहो मत कि प्रभु ये आपका है, मान लो दिल से। ये देखो कहना भी दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक सामान्य व्यवहार में आदमी कहती है सब बढ़िया, तो व्यवहार में हम तो कहते हैं, व्यवहार में भी ये मेंशन कर लो कि प्रभु सब आपका, अंदर प्लस बाहर यही सब आपका। और मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, केवल भगवान मेरे हैं। इतना कनेक्ट हो जाओ भगवान से कि जब जब आप कहो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, हर छोड़ी छोड़ी देर में बोलते रहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, और मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। बस ये कहते रहो और भगवान को याद करते रहो, और काम सारे करो। काम नहीं छोड़ना कि आप जी काम छोड़ के बैठ जाएं, काम, ये दास अनिरुद्ध काम करता है ना, सारे सारे काम कीजिए, जिम्मेदारियां ना भूलिए, काम ना भूलिए, काम करते रहो, नाम जपते, यही है शरणागति। इसी को बोलते हैं हमारे श्री संप्रदाय में कैंकर्य, सेवा। कैंकर्य समझते हैं? सेवा, समर्पण। प्रिय भक्तों, भगवान आप सब पर कृपा तो बनाए ही हैं। जब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो चल पड़े सन्यास लेने के लिए, पिता ने रोका, कोई उनके अंदर कामना नहीं, निष्काम। ऐसे सुखदेव भगवान जो भागवत को प्रकट करने वाले, ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तों, साथी
नारद जी महाराज ने, सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के बीच में बैठे हैं और सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कथा सुनाइए। देवराज इंद्र भी कथा सुनने के लिए आते हैं। जब सुखदेव भगवान कथा सुना रहे परीक्षित को अमृत का कलश लेकर, पर सुखदेव भगवान ने इंद्र को अधिकारी नहीं समझा और कथा अमृत नहीं सुनाया। इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। जो भागवत सुनता है उसका पलड़ा भारी होता है, ये समझो आप। इसलिए आप लोग यहां भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं और बहुत जल्दी अगली बार फिर से बारह अप्रैल से फिर भागवत जी का पाठ है यहां, तो आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ कराइएगा, पोथी पाठ कराइएगा घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। जैसे अभी 161 भक्तों ने पोथी पाठ कराया है। भागवत जब आप सुनते हैं ना तो उनका पलड़ा भारी होता है। भगवान कहते हैं जो भागवत सुनते हैं, जो भागवत की कथा सुनता है, भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं। इसलिए सुना करो। श्री सूत जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी, सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए पर ना पश्चिम को त्रमेच्छर महामना संतोष कार्यक्रम, शांति कहीं नहीं मिली नारद जी को, शांति बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति उदास थे नारद जी, शांति खोजने गए, ना सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय अधर्म के। एक बात बताएं मेरी मां, आज संसार में 99% लोग अधर्मी हैं, बेईमान हैं। तो आपको लगता है ना कि देखो तो ये बेईमान है, गलत है, फिर भी ये तरक्की कर रहा, फिर भी ये बढ़ रहा, उन्नति कर रहा, हम ही ईमानदार बने घूम रहे हैं ना। जो बेईमानी करके तरक्की करते हैं, गलत काम करके सक्सेसफुल होते हैं, वो यहां दिखते हैं सफल, ईश्वर की नजर में सफल नहीं है, पर जो यहां रहकर गरीबी में भी रहकर गुजारा करते हैं पर नेकी और धर्म नहीं छोड़ते, वो ईश्वर की नजर में सफल होते हैं। अब आप बताइए, जो बेईमानी करके सफल हो जाए वो यहां के लोगों की नजर में तो सफल माना जाता है, लेकिन ईश्वर की नजर में भी एक सफल होता है। ईश्वर भी तो अपना हिसाब करते ही होंगे ना कि कौन भक्त सफल है, तो उनकी लिस्ट में हमारा और आपका नाम तब होगा जब हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों को मत देखिए जो बेईमानी करने रहे वाले कर रहे। अच्छा बताओ, कैकई ने राम के साथ अच्छा किया कि बुरा किया? कैकई माने राम के साथ अच्छा किया या बुरा किया? जोर से जोर से। वनवास भेज दिया राम को 14 साल के लिए, राम का कोई दोष नहीं। कैकई माने अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से जोर से। तो बताओ, तो जो बात कैकई ने कही कि राम वनवास चले जाओ, तो राम ने बात मान ली, तो कैकई की बात भरत जी ने क्यों नहीं मानी? कैकई ने यह भी तो बोला भरत से तुम राजा बन जाओ, क्यों नहीं मानी? तो आपसे मेरा सवाल है, भरत जी को कैकई माता की बात मान लेनी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? उत्तर दो, माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए, माननी चाहिए। भाई को वनवास भेज के राजा बन जाते भरत? यदि राम के वनवास जाने पर भरत जी राजा बन जाते तो कोई बाप अपने बेटे का नाम भरत ना रखता, जैसे आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा, आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखा। कौशल्या नाम की स्त्रियां बहुत मिल जाएंगी, सुमित्रा नाम की महिलाएं बहुत मिल जाएंगी, पर आपके अड़ोस पड़ोस में खोज के देखना कोई कैकई नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम तब से आज तक कैकई नाम नहीं रखा। बोलो हां,
इसका मतलब ये हुआ कि भरत ने जो किया, जो कैकेयी ने किया, यदि वही काम भरत करते तो कैकेयी और भरत में अंतर जोर से क्या रह जाता। जो बेईमानी, बेईमान लोग बेईमानी करते हैं, यदि हम भी बेईमानी करेंगे तो उन बेईमानों में और अनिरुद्धाचार्य में अंतर क्या रह जाएगा। यदि आप झूठ बोलते हैं और हम भी झूठ बोलें तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहेगा। ये धरती किस पर टिकी है, कैकेयी जैसी स्त्रियों पर या कौशल्या जैसी स्त्रियों पर? ये धरती किस पर टिकी है, रावण जैसे लोगों के बल पर या भरत जैसे लोगों के बल पर? हाँ, रावण लोगों की संख्या ज्यादा है, भरत जी के सिर कितने हैं? जोर से, भरत जी के सिर एक हैं और रावण का सिर, हाँ रावण जैसों की जनसंख्या ज्यादा है और भरत जैसों की संख्या कम है। भले भरत जैसों की संख्या कम हो पर यह धरती रावण जैसों की संख्या पर नहीं, भरत जैसे एक की संख्या पर टिकी हुई है, एक के बल पर टिकी हुई है। इसलिए जमाना 99.99% लोग बेईमान हो जाएं तो हो जाएं, पर आप बेईमान मत होइएगा, क्योंकि यह धरती उन बेईमानों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर टिकी है। आप अपनी नेकी, आप अपना धर्म, आप अपनी ईमानदारी ना छोड़िएगा। क्या बेईमानों के कारण हम भी बेईमान हो जाएं? तो क्या कैकेयी के कारण भरत भी कैकेयी हो जाते? यदि भरत भी कैकेयी की तरह व्यवहार करते तो समाज में कोई बाप अपने बेटे का नाम, जैसे आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम आज तक दुर्योधन नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम आज तक शकुनी नहीं रखा, उसी तरह वंचित रह जाते। भरत भी यदि कैकेयी की बात मान लेते तो। इसलिए मेरी माँ, जो आप कहती हो ना कि महाराज जी सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, हाँ करने दो सारे लोगों को, बोलने दो जमाने को झूठ, करने दो लोगों को छल कपट ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली, तुम मत करो, तुमसे उम्मीद नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये धरती माँ को रावण से उम्मीद थी या भरत से? अयोध्या वालों को, धरती को, आपको, हमें किससे उम्मीद है, रावण से या भरत जैसों से? भरत जैसे लोगों से उम्मीद है कि तुम्हारी माँ भले नागिन हो जाए पर बेटा नागिन का बेटा नाग नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने लोभवश अपने बेटे को वनवास भेज करके अपने जन्म देने वाले बेटे को राजा बनाना चाहा, पर भरत जी ने माँ का ये वचन ठुकरा दिया ना, माँ तुम पुत्र मोह में पागल हो गई हो, तुमने जो निर्णय लिया है वो पुत्र मोह का निर्णय है, और मैं जो निर्णय लूंगा वो आने वाला भारत निर्णय लेगा, आने वाला भारत मेरे निर्णय से सीखेगा। भारत भी यदि कैकेयी माँ से सहमत हो जाते तो सोचो फिर भाई भाई का कितना बड़ा दुश्मन हो जाता। इसलिए मिसाल बन गए भरत जी के, नहीं भाई हो तो कैसा, भरत जैसा, जो अपने भाई के लिए अयोध्या की सिंहासन छोड़ देता है पर अपने भाई के चरण नहीं छोड़ता। भाई भाई का प्रेम राम और भरत की कथा सिखाती है। शास्त्रों को उस नजरिए से आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, इसलिए शास्त्रों के मर्म को आप जान ना पाए। मेरी मां बेटों को बेईमान ना बनाना, ईमानदार बनाना, ऐसा बनाना आप अपने बच्चों को कि आपके गांव के, आपके मोहल्ले के लोग कहें कि वाह भाई कोई झूठ बोले तो बोले पर ये झूठ नहीं बोल सकता, मुझे विश्वास है। तुम इतना विश्वास बना लो कि लोग तुम पर विश्वास करें कि नहीं जी मैं गारंटी लेता हूं उस आदमी की, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो चोर नहीं हो सकता,
वो बेईमान नहीं हो सकता, गारंटी। जैसे हम और आप गारंटी राम जी की लेते हैं कि राम जी के मन में कोई, भारत जी जब कौशल्या माँ से मिलने गए, कैकेयी माँ के पास आए, कैकेयी माँ ने पूरा बताया कि मैंने तो तेरे लिए राजा का पद तैयार रखा है। फिर भरत जी कैकेयी से बोल के आए कि तू मेरी माँ नहीं है, मैं आज से तुझे माँ नहीं कहूंगा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जो तूने राम को वनवास भेज दिया। फिर राम जी कौशल्या माँ से मिलने गए तो भरत जी को लग रहा था कौशल्या माँ क्या सोचेंगी। अच्छा, सोचना भी क्या चाहिए था, सामान्य स्त्रियां क्या सोचती कि चलो मेरी सौत का बेटा राजा बनेगा, मेरे बेटे को तो वनवास भेज दिया। जब भरत जी मिलने आए ना कौशल्या माँ से, माँ बिल्कुल सुनसान कमरे में अंधे अंधकार से भरा माँ का कक्ष, भरत आ गए। माँ, माँ मेरा राम आ गया क्या? राम, माँ मैं भरत हूं। माँ, भरत तू आ गया, आ बेटा। माँ ने गले लगाया भरत जी को, रोई माता कौशल्या, रोए भरत जी। भरत जी ने कहा माँ एक बात कहूं? हाँ माँ। हाँ बेटा भरत कहो। भरत जी ने कहा माँ गौशाला में कोई आग लगा दे और उस आग से सारी गैया जल के मर जाए तो माँ गौशाला में जो आग लगाएगा और उस आग से जितनी गौ माता जल के मरेंगी तो जो आग लगाने वाला पापी होगा ना, आप समझ रहे हैं कि वो कितना बड़ा पाप है किसी गौशाला में आग लगाना? तो माँ, हाँ बेटा भरत, माँ जो गौशाला में आग लगाने के बाद गाय जल के मर गई और उस गाय के मरने के बाद जो उस आग लगाने वाले को जो पाप लगता है ना माँ, वो पाप मुझे लग जाए माँ, वो पाप मुझे लगे माँ। भरत तू ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ तुम्हें ये लगता होगा ना कि मेरे कारण मेरे राम वनवास गए, मेरी माँ ने मेरे कारण भेजा, माँ मैं मर क्यों नहीं गया? माँ किसी गांव में आग लगाने के बाद गांव के सारे लोग बच्चे जल के मर जाएं तो जो आग लगाने वाले को पाप लगेगा ना माँ, वो पाप मुझे लगे माँ, क्योंकि मैंने राम को वनवास भेजा। माँ जो सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दे, सैकड़ों बच्चों की हत्या कर दे, सैकड़ों स्त्रियों की हत्या कर दे माँ, और उस हत्यारे को उनकी हत्याएं करने का जो पाप लगेगा वो पाप मुझे लगे माँ, क्योंकि मैंने राम को वनवास भेजा। माँ ने हृदय से लगाया, भरत तूने ऐसा क्यों कहा? मैंने कब कहा कि तूने वनवास भेजा है? ये तो होनी थी भरत। माँ मैं राम को लेकर आऊंगा माँ। और भरत जी जब राम को लेने चित्रकूट की ओर गए, सारे अयोध्या वासी सोच रहे थे कि नागिन का बेटा नाग ही होगा, ये दोनों माँ बेटे की मिली भगत होगी। लेकिन जब भरत का निर्णय सामने आया कि ठुकरा दिया अयोध्या के सिंहासन को और भाई को अपनाया, सारी प्रजा बोले नहीं, भाई भरत जैसा ही होना चाहिए, भाई भरत जैसा होना चाहिए। सोचिए उस युग में लिया गया एक डिसीजन, आज तक उस एक निर्णय की सराहना दुनिया करती है। याद रखिएगा कि हमारे और आपके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन, अच्छा या बुरा, वो डिसीजन बहुत समय तक लोग याद करते हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया था, ये किया था, ये सही या ये गलत। इसलिए कोई भी निर्णय लिया करो, सोच समझ कर निर्णय लिया करो। आपका एक निर्णय आपके पूरे परिवार को बना सकता है और आपका एक गलत निर्णय पूरे परिवार को मिटा सकता है। पूरे अयोध्या में
आज युगों बाद भी यदि भरत जी की जय जयकार होती है तो केवल भरत जी के उस एक निर्णय के कारण कि मैं राम से मिलने चित्रकूट जाऊंगा और राम को लेकर आऊंगा। और 14 साल तक भरत जी जब नहीं आए राम, तो नंदीग्राम में वहां जमीन में गड्ढा खोद कर सोते रहे ये भाई। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ूं, जो आप कहते हैं ना महाराज जी वो बड़े बेईमान हैं, बड़े झूठ कपट करके धन्ना सेठ हो गए, होने दो उनको, होने दो, उनकी धन्ना सेठी ज्यादा दिन की नहीं है, तुम्हारी ईमानदारी ज्यादा दिन चलेगी। बेईमानी की धन्ना सेठी ज्यादा चलती है या ईमानदारी? ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है साहब, खाओ। क्यों तुम, अच्छा चलो तुम धन्ना सेठ हो गए, तुम्हें रसगुल्ला पच रहा है क्या, रबड़ी पच रही है क्या, तुम्हारे पास रबड़ी की व्यवस्था खूब है पर डॉक्टर ने मना कर रखा मत खाना। फिर वो गरीब आदमी है, नमक रोटी खाने वाला, उसे कोई मना नहीं किया, खूब रबड़ी खा सकता है वो। विडंबना तो यही है, जिसके पास खाने को है उसको डॉक्टर नहीं खाने देते, जिसके पास खाने को नहीं उसे गरीबी नहीं खाने देती। ईश्वर का निर्णय है, विधान है, क्यों नहीं समझते आप लोग? नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाई सनकादियों के द्वारा, उनका उद्धार हुआ। एक धुंधकारी नाम का पापी अपने पिता को मारता, इसलिए कहता हूं कि सेवा करो, अच्छे कार्य करो। मैं नहीं रहूंगा एक दिन, लेकिन मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरे ना रहने पर भी रहेंगे, चाहे वो कार्य अच्छे हो या। इंसान नहीं रहता पर इंसान की अच्छाई और बुराई, रावण नहीं रहा पर रावण की बुराई रही, राम कण कण में है, उस रूप में राम हमारे सामने नहीं है, लेकिन राम की अच्छाई आज भी लोग याद करते। स्वामी विवेकानंद जी नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उनकी अच्छाई आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे महापुरुष हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी अच्छाई आज भी है। महाराणा प्रताप नहीं रहे, झांसी की रानी नहीं रही, मीराबाई नहीं रही, लेकिन ना रहने पर भी ये हैं, हाँ या ना? किस रूप में है? आज तक हम इनके मार्ग पर चलना चाहते हैं। मैं नहीं रहूंगा एक दिन, अनिरुद्धाचार्य भी नहीं रहेगा एक दिन, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे ना रहने पर भी लोग अपने बेटे को अनिरुद्धाचार्य जैसा ही बनाना चाहेंगे। हर माँ देख लीजिएगा, हर माँ, आप में से अभी ऐसी कितनी माँ है जो अपने बेटे को दास अनिरुद्ध जैसा चाहती हैं, कैसा हो? इतिहास के पन्नों में यह बात दर्ज होगी। इसलिए कहता हूं कि सेवा है धर्म हमारा, एक ही संकल्प और एक ही नारा। आपसे भी कहता हूं सेवा करना सीखो, गौरी गोपाल आश्रम आओ, देखो यहां, यहां की सेवाएं देखने के लिए आज देखिए ना पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी भी आए। आज यहां आकर उन्होंने वृद्ध माओ का दर्शन किया, यहां अन्य क्षेत्र की सेवा देखी और कहा कि दिव्य सेवा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष यहां आकर यहां की सेवाओं को सराहते हैं, कोई हंसी खेल नहीं है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इन सेवाओं से जैसे गिलहरी ने बालू के कुछ कण डाल करके राम सेतु में अपना योगदान दिया, गौरी गोपाल आश्रम में चाहे वृद्ध माओं की सेवा हो, अन्य क्षेत्र की सेवा हो, अखंड रसोई की सेवा हो, इन सेवाओं में आप भी जरा गिलहरी बनकर मुट्ठी भर नमक डालने की सेवा ही सही कीजिएगा। इन माओं के लिए अपने हाथ बढ़ाइएगा, इन माओ का सहारा बनिएगा, इन वृद्ध माओ की सेवा से जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओ का दर्शन किया है?
जो बेटे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जो बेटे अपने माँ की सेवा नहीं करते, ऐसी माएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। इन माओं के लिए एक आश्रम बन रहा है, गौरी गोपाल आश्रम। ये 275 माएं हैं और ये आश्रम और बन रहा है जहां पर 1000 वृद्ध माताएं रह सकेंगी। आप भी इन माओं के लिए एक ईंट का सहयोग कीजिए, एक बोरी सीमेंट का सहयोग कीजिए। आप इन माओं के लिए एक दिन के भोजन की सेवा कीजिए। शाम का दूध माताओं के लिए आप अपनी ओर से दे सकते हैं कि आज का दूध की सेवा हमारी, नाश्ते की सेवा हमारी, भोजन की सेवा हमारी। गौरी गोपाल आश्रम में ये देखिए हमारी वृद्ध माताएं, जिन माओं के आशीर्वाद लेने के लिए भारत देश के बड़े बड़े साधु संत भी यहाँ इन माओं का आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ आकर हमारी माओं का आशीर्वाद ये संत लेते हैं और इन माओं की दुआएं लेते हैं। आज हम आपका परिचय माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कानपुर। कानपुर। कितने बेटे हैं मैया आपके? एक। एक बेटा है, तो आपका बेटा एक है, तो आप यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हो मैया? क्यों? हमें कोई पसंद नहीं करता बेटा। आपको पसंद नहीं करता? लड़का बहू पसंद नहीं करते, हम अलग बनाते खाते। तो लड़का बहू किसे पसंद करते हैं? अपने बच्चों को। अच्छा, अपने बच्चों को पसंद करते हैं। अच्छा, पर माँ तो अपने बच्चों को पसंद करती है, पर बच्चे अपने माँ बाप को पसंद नहीं करते। हाँ, वो अपने बच्चों को पसंद करते हैं, वो ये भूल गए कि हमारे बच्चे बड़े होके क्या सीखेंगे, कि जब आपने अपनी माँ को पसंद नहीं किया तो आपके बच्चे बड़े होके फिर आपको पसंद करेंगे? देखिए जरा, तो बच्चे क्या कहते हैं मैया? तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं है, तुम चली जाओ, तुम कहीं मौत नहीं है, तुम मर जाओ, मर जाओ। ऐसा बोलते हैं कि तुम मर जाओ? कौन बोलता है ऐसा? बेटा। अच्छा। बेटा बोलता कि तुम्हें मौत नहीं आ रही है, तुम मर जाओ या कहीं चली जाओ। कहीं चली जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ मत रहो। तो बहू ने नहीं सपोर्ट किया कि नहीं? बहू तो ही कारण है, कारण तो बहू। तो पोता पोती आपके तो बड़े होंगे? हाँ, सब बड़े हैं सब। तो पोता कितने हैं आपके? बेटे का बेटा वो एक है, वो 16 जून को शादी हुई थी उसकी। अच्छा, तो वो भी मेरे बराबर होगा? और क्या, 30-32 साल का है। 32 साल का है, उसकी भी शादी हो चुकी है। हाँ, तो वो नहीं रख सकता अपनी दादी को? जब हम आए तब शादी हुई थी उसकी, हमें तो किसी ने बताया भी नहीं। तो शादी, पोते ने शादी में आपको बुलाया नहीं? बताया भी नहीं। अच्छा, देखो जरा, पोते की शादी हो गई और मैया यहाँ गौरी गोपाल में थी, बताया भी नहीं। देखिए, पोता इनका मेरे बराबर है लगभग, मैं 33 साल का हूँ, पोता इनका 32 साल का है, एक साल छोटा है। तो अब ये दास अनिरुद्ध मैया के पोते की उम्र का, उम्र मतलब लगभग तो ही ना, उम्र उम्र का है। यदि हम 275 माओं की सेवा कर सकते हैं तो वो पोता अपनी सगी दादी की सेवा तो कर ही सकता था ना, क्यों नहीं किया, ये सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। कभी मैया फोन नहीं आया बेटा पोते का? कभी नहीं, आज 3 साल 3 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा है आज आपको, तीन यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 3 साल 3 महीना, तीसरा महीना, कोई सूचना नहीं आई, कभी फोन नहीं लगाते बेटा? कभी। शादी विवाह में भी सोचिए कि पोता अपनी दादी को नहीं बुलाया, बेटा अपनी माँ को नहीं बुलाया और शादी कर लिया, बताया। आदमी तो दुश्मन को भी निमंत्रण देता शादी विवाह में, लेकिन नहीं बुलाया। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन माओं की पीड़ा को, आप बताएं आपसे, इन माओं के दर्द को, इन माओं की पीड़ा को ना सब लोग समझ भी नहीं सकते। जिस माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया हो ना, वही बेटा जब कह दे कि तुम मर क्यों नहीं जाती, इससे बड़ा माँ का अपमान क्या होगा। फिर वो माँ किस दुख में जी रही है, हम और आप तो इन माँ का सेवा करके जितना दुख कम हो सकता है कम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से देखिए इतनी बड़ी सेवा हो रही है, इतिहास गवाह बन रहा है, भारत के सभी लोग यहाँ की सेवाओं से प्रभावित हैं। अमेरिका के लोग, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने आकर के गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को यहाँ PhD की उपाधि दी कि ये वाकई सेवा यहाँ हो रही है।
एक साइलेंट मूड में एक विदेशी कंपनियां विदेशी विदेशी ये चीजें रिसर्च करती हैं कि सबसे बढ़िया कार्य कहाँ हो रहा, कौन कर रहा। तो अभी कुछ महीने पहले आपने देखा भी होगा गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को अमेरिका ने सराहा और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने यहाँ आकर मुझे PhD दी कि आपकी ये सेवाएं वाकई सराहनीय है। तो आप लोग यहाँ आकर देखिए मैया, आप यहाँ रहती हो माँ, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? कोई बेटा तकलीफ नहीं, बहुत आराम। आप हमसे खुश हैं? हम बहुत खुश हैं बेटा, खूब आपकी हजार साल की उम्र हो, हमारी उम्र आपको लग जाए। बेटा आपने बहुत सलाह दी हमें, हम बहुत दुखी थे, हम बहुत परेशान थे। आप तो परेशान नहीं है? आपने बेटा आपको बहुत यहाँ सब रहना खाना ठीक है? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा है। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिया आपसे? बेटा हमारे पास पैसे कहाँ से आए, आप पैसा। इन माओं से एक रुपए नहीं लिया जाता, जो आप लोग सहयोग करते हैं उसी के बल पर इन माओं की सेवा होती है। ईश्वर ने योग्य बनाया है तो आप भी इन माओं की सेवा कीजिएगा। इन माओं की सेवाओं में आप भी गौरी गोपाल आश्रम जो बन रहा है इन माओं के लिए, आप भी एक ईंट का सहयोग, एक बोरी सीमेंट का सहयोग, एक कमरा बनवा के दे सकते, कमरे की छत डलवा सकते, जिस लायक ईश्वर ने कुछ लायक तो बनाया ही होगा ना। और गौरी गोपाल आश्रम में माओ को आप भोजन दे सकते हैं कि आज सारी वृद्ध माओ को, 275 माओ को हमारी ओर से भोजन। ये हमारी दिल्ली से मैया आई, इन्होंने कल बोला बेटा हमारी ओर से सारी वृद्ध माओ को दूध पिलवाइएगा, तो कोई आके बोलता कि आज हमारी ओर से माओ को सवेरे नाश्ते में फल बंटवाइएगा, तो बस आप भी अपनी ओर से वृद्ध माओ, ये माँ आपकी, हमारी सबकी माँ, जिम्मेदारी हम सबकी। गौरी गोपाल आश्रम में केवल माओ की सेवा नहीं, यहाँ एक रसोई अन्य क्षेत्र चलता, कोई भी साधु संत आए सबको भरपेट भोजन मिलता है। और संतों के लिए आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाइए ताकि इन संतों को पेट भर आपकी रोटी मिले। और आप भी इन संतों को रहने के लिए, एक संत निवास बनने जा रहा है, आप भी उस संत निवास में भूमि दान देकर, 1 गज 2 गज 5 गज भूमि देकर आप भी संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ पर एक रसोई चलती है, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोईयों में एक। कोई भी आए, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि गौरी गोपाल जी की रसोई में कोई भूखा नहीं जाता? कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि यहाँ कोई भूखा, ये बात सही है या झूठी है? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? पाई हजारों लोग रोज पाते हैं कि नहीं? तो बताइए कोई शुल्क लगा? सबको निःशुल्क पेट भर भोजन मिल रहा है, इससे बड़ी सेवा क्या है? ये दास अनिरुद्ध समाज से मांग मांग कर आपकी ये सेवा यदि कर रहा है तो सेवा। देखो हम मांग किसके लिए रहे हैं? सेवाओं के लिए, सेवा के लिए, परमार्थ के कारण ये जो कर रहे हैं वो धर्म है। किसी हमारे देश में एक VHU है, सुना, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, काशी में, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उसे बनवाया है ना, BHU। उसे पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था आज से सैकड़ों साल पहले। कैसे बनवाया जानते हो? पूरे भारत में उन्होंने भिक्षा मांगी, एक जगह भिक्षा मांगने गए तो एक राजा ने अपना जूता उतार के पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मारा जूते से, ये आ गया मांगने के लिए। तो उन्होंने जूता राजा का उठाया, कहा महाराज ये राजा साहब आपका जूता है, इसकी नीलामी करूंगा कि राजा का जूता है, कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे यूनिवर्सिटी के लिए। सोचिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने समाज से, देश से चंदा मांगा, भीख मांगी, कुछ ने जूता दिया, कुछ ने पैसा दिया, उस मांग मांग के इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाया, आज भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक है। लाखों बच्चे पढ़े वो तो नहीं है, लेकिन आज तक वो यूनिवर्सिटी लोगों को शिक्षा दे रही है। तो हमारे द्वारा ये भीख मांग कर माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, हम पंडित मदन मोहन मालवीय तो नहीं है पर उनके पांव की धूल तो बन ही सकते हैं, उनके चरण रस तो बन ही सकते हैं। ऐसे महापुरुषों से कुछ प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा कर जाओ कि किसी के काम आ सको।
मरने के बाद तो हमारा चमड़ा जूता भी नहीं बनाया जा सकता हमारे चमड़े का, तो मरने के बाद तो ये चमड़ा काम आना नहीं है, जीते जी यदि हम किसी के काम आ जाएं तो ये बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी ईश्वर ने जिस लायक बनाया है हम सब मिलके ये कार्य करें। उस यूनिवर्सिटी में जितने लोगों ने सहयोग किया आज उनको भी पुण्य जाता होगा, आप भी पुण्य के भागीदार बने और गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से जुड़े। आइए मैया आप यहीं रहिए, आपका बेटा बनकर यह दास अनिरुद्ध सेवा करेगा, आप भी इन सेवाओं से जुड़िए। आइए आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम सुनते हैं, पुनः आगे प्रवेश करेंगे। श्रीराधे, बड़ी सुंदर पावन कथा सद्गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां पूजे सद्गुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर प्यारी कथा के साथ में सुंदर सी सेवाओं के दर्शन कराने और उनसे जोड़ने का सुअवसर हमें दिलाने के लिए आइए मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं। जैसा कि हाल ही में सद्गुरुदेव भगवान ने बताया, आप जितना सामर्थ्यवान रखते हैं, जितना सामर्थ्य रखते हैं, चाहे आप गिलहरी के लायक ही हैं, अगर वो सेवा आप कर सकते हैं तो जरूर करें। आइए मेरा निवेदन रहेगा, आप में से किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं। आज की श्रेणी में महेंद्र जी पाल लुधियाना पंजाब से आपने सभी सेवाओं के लिए 50,000 रुपए का योगदान दिया है, एक बार जोरदार तालियां महेंद्र पाल जी के लिए। लुधियाना पंजाब से आप जुड़ रहे हैं, साथ ही वहीं उर्मिला शर्मा जी दिल्ली से आपने 1 कमरे की छत के लिए 51,000 रुपए, सावित्री देवी झुंझुनवाला कोलकाता से आपने 42,000 रुपए का योगदान दिया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रेणी में आपके मदद से ही हमारी मैया जी मुन्नी देवी जी, आपने इन सभी सेवाओं के लिए फरीदाबाद से 1,30,000 रुपए का योगदान दिया, एक बार जोरदार तालियां मुन्नी देवी जी के लिए जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है। आइए अब यही निवेदन रहेगा कि आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं, इन दानवीर महापुरुषों की श्रेणी से तो जुड़े ही, पावन सेवा अपने हाथों से करते हुए पुण्य की प्राप्ति करें। जो लोग यहाँ हैं और अपना सुंदर सा भाव लिए बैठे इन सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए काउंटर यहाँ भी लगाए और आश्रम में लगाए, आप वहां जाकर के अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और क्यू आर कोड दिखाया जा रहा है, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। अब आइए चलेंगे शेष पावन कथा की ओर, उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा आप अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना नाम तो अमर करें ही, अपने साथ में अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों को भी पुण्य से जोड़कर जाएं। आइए चलते शेष कथा की ओर, एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। प्रिय भक्तों, श्री गौकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को भागवत सुनाकर उनका उद्धार किया, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया, उनका उद्धार हुआ, दूसरी बार भागवत सुनवाई, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए और कीर्तन करते हुए सब भगवत धाम को चले गए। श्रोता वक्ता का निरूपण है भागवत जी में। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को हम ध्यान करते हैं, धारण करते हैं हृदय में। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया, भीष्म पितामह की सदगति हुई, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तो जैसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, शुकताल में राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से यह सवाल किया है। सुखदेव भगवान ने कहा भगवत चिंतन करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन करके ये सवाल किया, दोनों भगवत चिंतन में डूब गए हैं। आगे की चर्चा पुनः कल हम सुनेंगे। शाम को 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी, जिन्हें प्रश्नोत्तरी में जुड़ना है 7 बजे शाम को, आज प्रश्नोत्तरी होगी 7 बजे। आइए अब आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी, कृपया इन चीजों का ध्यान रखें। भीड़ में कोई चोर ना मोबाइल छीन ले, कोई चोर ना आपकी चैन उतार ले, इसलिए सोना चांदी पहन के धाम में बिल्कुल मत आओ। हाँ मैया अभी मिलेंगे, आइए अब आरती उतार लेते हैं, फिर आप सबका दर्शन।
आगे की चर्चा कल श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम माओ चंद्रमा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणसमुखात् अग्ने राजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती आरती। हो हो कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। प्राण जाग जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणता वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवंत हरम सदा वसंतम भवम भवानी सहितम मंदार माला गुंडाल गाय कपाल माला तुमसे घराया जगम्बराय जगदम्बराय नम शिवाय जन्म शिवाय त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव मल्लोतिष्ठा त्वमेव त्वमेव विद्यारमणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् श्री गुरुवे नम अच्युतम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे श्री राम माधव गोविंदा वल्लभ जानकी नायकम राम चंद्रम भजे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे गट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो राजा घट वंशी वाले गोकुल के राजा हमेरी अखियां तरस रही अब तो आजा अजर लाल तरस रही नैना अजा गोपाल बरस रही हाँ तरस रही नैना बरस रही नैना बरस रही नैना बरस रही नैना तरस रही नैना बरस रही नैना बरस रही नैना बरस रही नैना अजा गोपाल तरस रही नैना अजा गोपाल हरे ओम माम जगनेन जगनमय जनकदेवास्थान धर्माय प्रथमान्या जन्नादेहनागम महिमाना सचंद्र चतुर पूर्वे साध्याः चंद देवाः हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्त प्रचोदयात् सेवन्ति कामकल चुंबक वाटलाभ जरपन्ना गजात करवीर रसाल पुष्पै वल्लभ प्रवाल तुलसीदल मंदिरे मे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुबन्ध पुष्पाणि यथा काल उद्वानि च पुष्पाञ्जलम् आदित्य ग्रहण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलम् सर्वयामि वृंदावन हरिलाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाशो प्राणियों विश्व का कल्याण हो गौ माता जय हो गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की श्री अयोध्या धाम की चित्रकूट धाम की हरिद्वार धाम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम जिन भक्तों को मिलना है यहाँ से आ जाइए और एक एक से मिलिएगा जिनको मिलने के बाद भी और भी इच्छा हो तो अंदर गौरी गोपाल आश्रम में फिर मिलेंगे जिनको भी मिलना सुनने वालों कथा को देता यहीं विराम कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा शरण पड़े की।